चलो माय सेल्फ विदेश कौशिक और सिविल स्टाफ के इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज एचपीएस प्रीलिम्स प्री मॉक टेस्ट 2 की बारी है और आज हम 100 सवाल डिस्कस करेंगे। आप देखिए देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वो मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था जो देख रहे हैं कि भाई ये मॉक्स थोड़े डिफिकल्ट हैं आपके लिए। देखो घबराओ नहीं, जितने क्वेश्चंस आप आपकी आंखों से गुजर जाएंगे, जितने सॉल्यूशंस आप देखोगे उतना आपको मदद मिलेगी पेपर में। आप घबराइए नहीं या फिर डिमोरलाइज मत होइए। क्वेश्चन जितने आपकी आंखों से गुजरेंगे ना, जितने आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी आता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो करने के बाद आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन होने के बाद आ जाना चाहिए, फिर घबराने की क्या बात है यार। जितने क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरेंगे उतना ही पेपर में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, चलो ये रहा पहला सवाल। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखो पहला इट इंश्योर्स दैट इट इंश्योर्स दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा इट एस्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट ओवर द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सी, इट गारंटीज द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग देयर कोलीग्स। डी, इट अलाउज द जुडिशियरी टू होल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा बहुत लोगों ने आंसर किया ए ए, देशराज, रविशंकर, कॉस्मोस, प्रियंका, सबने ए। हाँ जी मुकेश, गुड मॉर्निंग। अभिषेक ने बी किया है एक बीच में जाकर। चलो आंसर देखे, आंसर ए है। देखो यार सीधी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन पार्लियामेंट में इसका मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी है वो अकाउंटेबल टू है पार्लियामेंट फॉर द डिसीजन एंड एक्शन। ठीक है, तो ये आंसर है आपका ए। ठीक है जी, तो बी सी डी नहीं, ए इसमें करेक्ट आंसर है। चलो अगले सवाल की तरफ जस्ते चलते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस कहां पे मेंशन है, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स में, प्रीएम्बल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, या फिर कहीं पर भी नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से। लोकसभा आना चाहिए था। कहाँ कह रहे हो बच्चे, लोकसभा आना चाहिए था पार्लियामेंट की जगह। चलो चले देखे, आंसर है आपका बी। देखो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब आर्थिक मामलों में जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, और यही इकोनॉमिक जस्टिस कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल में मेंशन है ना तीनों, सोशल भी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है जस्टिस, तीनों जो है वो कहाँ पे मेंशन है, वो हमें मिलते हैं कहाँ पर आप बताइए। तो ये सब देखो, ये सब का सब हमें एक जगह तो मिलता है, आर्टिकल 39 में मिलता है। ठीक है, तो प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे आर्टिकल 36 से ही शुरू हो जाते हैं आपके पास 51 के बीच में, तो आर्टिकल 39 एक जगह मेंशन करता है और प्रीएम्बल मेंशन करता है। ठीक है, तो प्रीएम्बल में ये तीनों मिलेंगे आपको, तो हो गया आपका प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर वुड बी अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इनमें से किन किन केसेस में कंपल्सरी टर्मिनेशन, बर्खास्तगी होगी भारतीय नागरिकता की, व्हेन द सिटीजन हैज ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, या तो किसी सिटीजन ने सिटीजनशिप फ्रॉड तरीके से ली है। दूसरा, व्हेन द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब वो संविधान के प्रति जो है उसने डिसलॉयल्टी प्रकट की है या शो की है, या उसके अलावा सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो आपको बताना है वन और टू, टू और थ्री, वन एंड थ्री, या वन टू एंड थ्री, जल्दी से आंसर करो। बहुत
बहुत लोग सी ए, जल्दी जल्दी करो यार, समय बहुत कम है, 100 क्वेश्चन करने हैं भाई हमें। हाँ डी डी, चलो तो आंसर बिल्कुल ठीक है डी। तीनों ही केसेस जो है उसमें कंपलसरी टर्मिनेशन होगा, चाहे किसी ने फ्रॉड तरीके से लिए, चाहे किसी ने डिसलॉयल्टी शो की है, चाहे कोई ऑर्डिनरली रेजिडेंट रहा भारत के बाहर लगातार 7 साल से ज्यादा समय तक। ठीक है जी, चल अगले सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पे कि ये बोला गया है कि आर्टिकल 368 जो आपको पता है, जिसके तहत संविधान में बदलाव किए जाते हैं, वो आर्टिकल है। अब यूएसए, लाइक यूएसए स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए की तरह स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसे यूएसए में होता है स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पर कोई भी ऐसा बिल प्रपोज कर सकता है जिससे संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू केसी वेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। डी बोल रहा आप, चलो आंसर देखते हैं। देखो स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट है, कोई भी कोई स्पेशल बॉडी, देर इज नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एज इन यूएसए। तो जैसे क्या है कि ऐसी कोई स्पेशल बॉडी नहीं है जैसे यूएसए में है, और द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे नहीं है। अब केसी वेयर हैज एडमायर्ड द वैरायटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ही सेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब हमारे देश में जो संविधान है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों का एक बैलेंस है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर आएगा आपका ओनली टू, टू ओनली। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। तो पहली बात कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, कोई भी नहीं कर सकता इस तरीके का बदलाव। जो बनाई गई थी संवैधानिक समिति वो शुरू में ही बनी थी, और भारत में आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ इसको इसमें बदलाव करना डिफिकल्ट भी है, इसीलिए फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों हैं एक ही समय पे, इसीलिए इसको ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ स्टेट सोशलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, चले चलो आंसर देखते हैं। देखो आंसर है बी। देखो स्टेटमेंट वन ठीक है, टर्म लिबर्टी जिसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कोई मतलब आप पे कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है, लिबर्टी बेसिकली उस चीज को कह रहा है ये। ठीक है, और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहां पे क्या दिया आपको, स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका आंसर हो गया वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। तो वन इज करेक्ट में आपका इनकरेक्ट पूछा था, क्योंकि देखो इसमें यहां पूछा गया था इनकरेक्ट वाला ऑप्शन। तो इनकरेक्ट कौन सा आपका, वन तो करेक्ट है, टू इज इनकरेक्ट, तो यहां पे आंसर आएगा आपका टू। जिन लोगों ने भी बी आंसर किया वो ठीक किया है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, स्टेट सोशलिज्म नहीं है। चलो अगला, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा, इंडियन पॉलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स टू फॉर्म अ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। ठीक है, तो अब इसी संदर्भ में आप बताएं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, पहली और दूसरी दोनों गलत है, पहली सही है दूसरी गलत है, पहली गलत है और दूसरी सही है, कौन सा वाला ऑप्शन जो है तो आप चुनेंगे इसमें।
चलो सिक्स का सी दे दिया बहुत सारे लोगों ने, सी और भी है क्या कोई? चलो सी दे रहे हैं सब, ठीक है। तो आंसर सी करेक्ट है, बहुत अच्छा। आर्टिकल वन जो संविधान का है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, सबको पता है, ठीक है। स्टेटमेंट टू सही नहीं है, इंडियन पॉलिटी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, ठीक है। तो बल्कि स्टेट्स नीदर गेव द स्टेटस ऑफ बीइंग इंडिस्ट्रक्टिबल नॉर दे स्टेट दीज यूनिट्स कैन सीसीड, अपने आप अलग भी नहीं हो सकती, ठीक है। यूएस में होता है, अपने आप अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। चल तो आंसर इसमें आ गया आपका सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको मैच करना है। यहां पे एक कमेटी दी है, सामने चेयरपर्सन दिया है, यूनियन पावर्स कमेटी सामने जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सामने एच सी मुखर्जी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी सरदार पटेल है सामने, और माइनॉरिटीज सब कमेटी जे बी कृपलानी है सामने। चलो जल्दी से अब आंसर करो, ऑप्शन दिख रहे हैं A1 B3 C4, जल्दी करो उसके हिसाब से आंसर। ठीक है, 7 का ए कर दिया सब लोगों ने, चलो ठीक है आंसर ए। देखो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। अब क्योंकि देश को यूनाइट किया था, सभी जो प्रोविंसेस थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी काम सरदार पटेल के पास था, ठीक है। और उसके अलावा फिर आ गया आपका फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी और माइनॉरिटीज कमेटी फिर आ गया आपका एच सी मुखर्जी। तो A1 B3 C4 D2, A1 B3 C4 D2 पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने भी कर दिया है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आर्टिकल 50 डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो ध्यान से पढ़ना, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आर्टिकल 50 राज्य से कहता है कि वो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। आर्टिकल 361 ये प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी देता है और द गवर्नर, ताकि उसे किसी भी कोर्ट में आंसरेबल ना बनाया जाए इन 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 हिज परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। मतलब अपने ऑफिस में जो भी वो चीजें करता है उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, आर्टिकल 361 उसको इम्यून बनाता है। आर्टिकल 122 और 212 रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोर्ट को कि भाई वो क्वेश्चन कर सके पार्लियामेंट और किसी लेजिस्लेचर से किसी भी संदर्भ में, ठीक है। चलो उनकी प्रोसीडिंग्स के केस में, जल्दी से बताओ 1 2 3 ओनली, 1 2 3 चलो ज्योति किंग शिमला राइडर सब सी सी सी, एक है बीच में तस्लीम सलोनी जो है वो कुछ और आंसर किया उन्होंने ए। चलो आंसर देखे, आंसर है सी। देखो 1 बिल्कुल गलत, 1 1 बिल्कुल सही है, सॉरी 1 बिल्कुल सही है, 2 भी बिल्कुल सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, तो कोई भी गलत नहीं बचा। सॉरी किस में आ गया, आर्टिकल 1 2 3, ठीक है। आर्टिकल 50 वाला बिल्कुल ठीक है, देखो ये बिल्कुल ठीक दिया गया है, और आर्टिकल 50 वाला भी बिल्कुल ठीक दिया, आर्टिकल 361 भी और आर्टिकल 122 भी, ठीक है। तो 122 212 बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, तो आंसर आ गया इसमें आपका सी, तीनों जो ठीक है, ठीक है तीनों ठीक है। इसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो इसमें से हटा दिया गया, वो एक और डिफरेंट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब प्रस्तावना उद्देश्य, आपको याद होगी इसकी तारीख, जो बच्चे मुझे बताएंगे इसमें तारीख मेंशन करके बताओ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस दिन मूव किया गया था हमारे संविधान में, जल्दी से डेट बताओ मुझे, जो जो बच्चे डेट बता सकते हैं, और किस दिन फिर उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बच्चों ने बता दिया, दूसरी डेट
दूसरी डेट बताओ जब वो सर्वसम्मति से उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्तावना को पास कर दिया गया था, 22 जनवरी। ठीक है, चलो। विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट सर्व द इंस्पिरेशन फॉर द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक। दूसरा, इट एनविजन पॉपुलर सोवरेंटी फॉर द सून टू बी इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन। ठीक है। तीसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स विद द प्रोविंसेस। करेक्ट बताना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या 1 2 और 3, जल्दी से बताओ, जल्दी। चलो डी, चलो ठीक है, डी करेक्ट है। ये देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हाँ, प्रियम्बल की जो भावना है या इंस्पिरेशन है उसका उसने काम किया, बिल्कुल ठीक है। उसको बताया बेसिकली कि यही इसका भाव है, किस उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है, उसको पूरा तो इंस्पिरेशन और सब चीजों को बेसिकली उसमें दर्शाया गया था। और जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्री, बेसिकली इसने इस रेजोल्यूशन ने डिक्लेयर किया कि भाई इसको सारी पावर जो है वो लोगों से मिलती है, और बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब आपका जो तीसरा स्टेटमेंट था, ये देखो, तीसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर वेस्टिंग रेजिडरी पावर्स विद द प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये भी इसमें ठीक था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद ऑटोनॉमस प्रोविंसेस का प्रोविजन दिया था, इसलिए ये ठीक है। देखो, ध्यान रखना, क्योंकि ऑटोनॉमस प्रोविंसेस का प्रोविजन था इसलिए ठीक है, जो स्वयं शासित होते हैं। तो स्वयं शासित में क्या हो गया, अब यही वाली बावर आ गई कि अगर स्वयं शासित है तो उनके हाथ में पावर है अपने अपने डिसीजन खुद लेने की, सारी की सारी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया आर ट्रू, जल्दी से बताओ। पंचायती राज सिस्टम इज अ 3-tier सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत। देखो, चार बोल रहा है वो, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत। सेकेंड, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, उसके अलावा बलवंत राय मेहता कमेटी रेकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। चौथा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और पांचवा, ग्राम सभा इज प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी इन पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, जल्दी करो, थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा समय दे देते हैं। बलवंत राय, हाँ, 1957, डी बोल रहे हो, हाँ, 2 4 5, फर्स्ट किस किस को गलत लगता है? 2 4 5 है तो इसका मतलब फर्स्ट गलत है। फर्स्ट कैसे गलत है, देखो, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। देखो, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत ही मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, मैं शायद बोलने में गलती करके, अब ठीक कर लेना अगर आपको ये अलग लग रहा है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। ठीक है, मैंने हिंट दे ही दिया, अब चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो 3-tier सिस्टम में, हाँ, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत होती है, बिल्कुल। सेकेंड, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी के तहत तो संवैधानिक बॉडी बनी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उसने 3-tier पंचायती राज सिस्टम की जो है वो बेसिकली उसने मुखालफत की थी। तो अब देखो, 2-tier पंचायती राज नहीं, 3-tier की बात की थी उन्होंने। और इधर स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन वही कराता है। ग्राम सभा प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पंचायती राज सिस्टम में, तो गलत सिर्फ 3 हुआ। ठीक है, तो 1 2 4 5 आपका ऑप्शन जो है ये ठीक हो गया। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पर आते हैं। द टर्म अल्बेडो, अल्बेडो वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मैंने आपको, ठीक है, तो
टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लिथोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, पहला टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, तीसरा टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आइस कवर्ड एरिया एंड क्लाउड्स, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ एटमोस्फेयर, जल्दी से बताओ। देखो लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर, सिर्फ लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर तीनों आइस कवर्ड एरिया एंड क्लाउड्स से टकरा के जो जाता है वो, और टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ एटमोस्फेयर। देखो ध्यान रखना इस बात को, यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। तीनों जो है लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो फॉर वाटर, लिथो फॉर ये कह लो कि अर्थ, और एटमोस्फेयर जो वातावरण जो पर्यावरण मौजूद है, इन सब से जो भी रिफ्लेक्ट बैक होके स्पेस में जाता है, ठीक है, वो बेसिकली उसका जो रेशो होता है टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग का, वो अल्बेडो कहलाता है। तो इसमें तीनों आएंगे, ये ध्यान रखना। जो बच्चे इसको सोचते हैं सिर्फ एटमोस्फेयर, तो वो एटमोस्फेयर नहीं है, तीनों लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर तीनों, तो आंसर आएगा आपका ये, ठीक है। और इसमें फिर जो आप पढ़ते हो टेबल में, तो फिर उसमें आइस कवर्ड होता है कि स्नो से टकरा के इतना वापस चला जाता है, और उससे अर्थ से टकरा के, प्लेन सरफेस से टकरा के, घास से टकरा के, वो पढ़ते हो ना, तो सब कुछ है भाई उसमें, सब कुछ है, लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर, ठीक है। सिर्फ देखो इसमें सिर्फ एटमोस्फेयर दिया, उससे बेटर ऑप्शन ये है, इसलिए गलत हुआ, ठीक है। डी कैसे गलत हुआ, डी ठीक है, लेकिन इसमें से चारों में से आप बेटर ऑप्शन चुनोगे ना, समझे। हाँ हाईएस्ट होता है आइस कवर, स्नो कवर है, फ्रेश स्नो खासतौर पे, ठीक है। चलो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, सैंडस्टोन आगे लिखा है स्कीज्ड, लाइमस्टोन लिखा है मार्बल, ग्रेनाइट लिखा है गनीज, और शेल लिखा है स्लेट, ठीक है। करेक्टली मैच्ड बताओ कौन कौन से हैं। ओरिजिनल रॉक है सामने जो मेटामॉर्फिज्म के बाद बनी वाली है, तो कौन कौन से सही है, मतलब ओरिजिनल रॉक से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनी है ये बताना है। देखें क्या आंसर, 12 का बी सी, बी सी चल रहा है, ए भी है कोई लोग कह रहे हैं रविशंकर। चलो देखो सी, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एंड नॉट इन स्कीज्ड, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होता है नॉट इन स्कीज्ड। बाकी लाइमस्टोन मार्बल में होता है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेनाइट गनीज में होता है, और शेल स्लेट में होता है, ठीक है। तो बस पहला गलत है, सैंडस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्जाइट नॉट स्कीज्ड, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 2, 3, 4, ठीक है जी, तो 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ एन ओशन। अब लवणता, नमक जो होता है ना समुद्री समुद्र में, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स से प्रभावित होता है, इवेपोरेशन से, वाष्पीकरण, प्रेसिपिटेशन से, बारिश के बढ़ने से, फ्रीजिंग ऑफ आइस उससे, ओशन करंट से, विंड से, या प्रेशर से, जल्दी बताओ। ये मतलब या नहीं, मल्टीपल भी हो सकते हैं ऑप्शंस, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 6, 1, 3, 4, 5 और 6, जल्दी से आराम से करो, थोड़ा सोच के, जिसमें ज्यादा ऑप्शन हो थोड़ा सोच लो शांति से सबके बारे में। आंसर देखते हैं, आंसर है बी। देखो लवणता जो है वो इन फैक्टर्स से प्रभावित होती है, इवेपोरेशन से। देखो अगर पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो फ्रेश वाटर
ऊपर जाएगा नमक नीचे रह जाएगा, कम पानी में ज्यादा नमक प्रभावित होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा साफ पानी पड़ेगा तो कम नमक भी होगा ना अगर पानी के अंदर, तो ज्यादा साफ पानी मिल जाने से हमेशा बारिश का पानी साफ होता है तो भी प्रभावित होगा, वाटर फ्लो कहीं और से आ रहा है किसी जगह पे उससे भी प्रभावित होगा, नदियों का पानी जो इसमें कम सॉल्टिनेस होती है ज्यादातर वो आके मिलता है तो भी प्रभावित होती है, फ्रीजिंग से भी और थॉइंग ऑफ आइस से भी। तो अब बेसिकली आप ये देखो, और ओशन करंट से जो पानी ट्रांसफर होता है उससे भी, तो प्रेशर से नहीं होगा बस, ठीक है, बस प्रेशर से नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सब ठीक है, हवा से भी, विंड मूवमेंट से पानी इधर से उधर चले जाता है, ओशन करंट से भी होता है, फ्रीजिंग ऑफ आइस से भी, प्रेसिपिटेशन से भी, इससे नहीं होता, प्रेशर से नहीं हो रहा बस, ठीक है, तो प्रेशर से नहीं हो रहा ये, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एंटीसीडेंट रिवर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट 1 क्या था, एन एंटीसीडेंट स्ट्रीम इज द स्ट्रीम दैट मेंटेन्स इट ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट द चेंजेस इन अंडरलाइंग रॉक टोपोग्राफी। तो एंटीसीडेंट धारा वो धारा है जो अपना ओरिजिनल पाथ बनाए रखती है, चाहे पत्थरों के निर्माण में जो है कोई बदलाव भी आ जाए, या उसके जो किसी भी तरीके का उसके जो ऊपरी सतह पर बदलाव भी आ जाए। दूसरा, हिमालयन रिवर्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स इन इंडिया। हिमालयन नदियां जो है वो एंटीसीडेंट नदियों का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है, देखो पहला और सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, जल्दी से बताओ। आंसर क्या? अच्छा स्किप किया, किसने स्किप किया? संगीता, ए ए ए, वरना ए कर रहे सब। देखो आंसर ठीक है, देखो एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या है जो अपने ओरिजिनल पाथ को बनाए रखती है। अब देखो बोलते हैं ना भारत जो है वो उसका जो पूरा हिस्सा है मेनली आप हिमालय से नीचे वाला, वो जाके टकराया देखो यूरोपियन लैंडमार्क से जो है, इंडियन जो है यूरेशियन लैंडमार्क से, सॉरी यूरेशियन लैंडमार्क से इंडियन लैंडमार्क जाकर टकराता है, और उसके बाद भी वो नदियां जिस रास्ते पे बह रही थी उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, तो एंटीसीडेंट नदियां हो गई ये, ठीक है। और इसमें हिमालय की नदियां इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, वो भाई जहां बह रही थी आगे उस पर भारत भूमि आ गई, उसके ऊपर से भी बहती रही, ठीक है, उन्होंने रास्ता नहीं बदला, ठीक है जी। चलो तो रॉक टोपोग्राफी से फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही, आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है जी। चलो मैप द इंडियाज माउंटेन पासेस विद देयर लोकेशन इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब ये थोड़ा फैक्चुअल है, नाथुला सामने उत्तराखंड लिखा है, लिपु लेक पास सामने जम्मू कश्मीर लिखा है, रोहतांग ला पास सिक्किम लिखा है, जोजी ला पास हिमाचल लिखा है, ये तो अब जल्दी से आपको बता दो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है, तो इनको आपको मैच करना है सही के साथ। नाथुला कौन से स्टेट में है, ठीक है, आसान है वैसे ये तो, बहुत आसान है मुझे लगता है। ठीक है, नाथुला फेमस है एक बड़ी लड़ाई के लिए, है ना, इंडिया चाइना के बीच में, और रोहतांग तो फिर मैं क्या बोलूं अब, ठीक है, सब कुछ तो बता दिया उन्होंने, ठीक है चलो, ठीक है तो आंसर है सी, ठीक है, नाथुला सिक्किम, लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड, जोजीला श्रीनगर ले मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, रोहतांग हिमाचल हो गया, ठीक है जी। चलो ये आ गया आपका ऑप्शन, हाँ नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू फोल्ड माउंटेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स के संदर्भ में कुछ जो है आगे स्टेटमेंट दिए, फोल्ड माउंटेन यंगेस्ट माउंटेन है पृथ्वी की सतह पे, फोल्ड माउंटेन कंप्रेसिव और टेंशनल फोर्सेस से बने हुए हैं, कंप्रेसिव और टेंशनल फोर्सेस से बने हुए हैं, ठीक है, तो आप बताएं कि कौन सा सही है, पहला दूसरा, पहला सिर्फ दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं।
चलो आंसर देखें, करेक्ट पूछा था ना, तो वन इज करेक्ट ओनली। देखो कोल्ड माउंटेन जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस से बनते हैं, सिर्फ ध्यान रखना सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस से कोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जो बनते हैं उसमें कंप्रेसिव और टेंशनल फोर्सेस दोनों लगती हैं। ठीक है, थीके? तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। एंड यंगेस्ट कोल्ड माउंटेन है पृथ्वी की सतह पे, हाँ बिल्कुल कोल्ड माउंटेन सबसे नए होते हैं, ऑब्वियसली वो बाद में जो है कंप्रेशनल फोर्सेस से बने होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, वन ओनली इज करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना जिन लोगों ने भी गलत किया है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग है वॉल्केनिक ओरिजन, इनमें से कौन से वॉल्केनिक ओरिजन से बने हुए, अंडमान निकोबार द्वीप या फिर लक्षद्वीप, दक्कन ट्रैप या फिर अरावली रेंजेस। ठीक है जल्दी बताओ, एक दो तीन, दो चार, एक तीन, एक दो तीन चार। दक्कन तो है ही, वाह वाह सही बता। अरावली नहीं है, हाँ वे बूढ़ा ओल्ड माउंटेन है वो तो, डिकेइंग। चलो देखो बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स में, अंडमान आइलैंड्स वोल्केनिक इन ओरिजन है, अभी भी उस पे एक्टिव वोल्केनिक रीजन मिलता है कि नहीं। ठीक है, और लक्षद्वीप आर मेनली कोरल फॉर्मेशन, लक्षद्वीप तो कोरल है, कोरल रीफ जो है इकट्ठा हो गया है। दक्कन ये क्रिटेशियस पीरियड में बोलते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी से बना था। अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ओल्ड फोल्ड मैंने बताया। ठीक है, तो आपको तो इसमें क्या है, ए वन और थ्री, वन और थ्री सही है, जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन मार्क किया। ठीक है, हाँ बैरन आइलैंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री दिस प्राइम मेरिडियन पास, अरे यार ये क्या सवाल पूछ लिया इतना आसान। ठीक है, बस आपको मैप की अगर अच्छी समझ आए तो फिर इसको कर दोगे। फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका और कीनिया, प्राइम मेरिडियन पूछा है। ठीक है ना, अब बताओ, एक दो तीन सही है, एक तीन चार पांच सही है, दो और चार सही है सिर्फ, या एक दो तीन चार पांच सभी के सभी सही है। प्राइम मेरिडियन पता तो है ना, अच्छा ए, चलो बिल्कुल ठीक है। देखो यूके से गुजरता है जिसके, जहां से तो जीएमटी लिया गया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। तो इसमें क्या नहीं है, साउथ अफ्रीका है क्या, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा शिफ्ट है इधर। ठीक है, और कीनिया भी, दोनों, कीनिया तो है भी अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे, साउथ अफ्रीका बिल्कुल नीचे है लेकिन उससे नहीं गुजर रहा है। ठीक है, तो फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन करेक्ट है। ठीक है, माली, देखो यूके, फ्रांस, स्पेन ये यूरोप के तीनों, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना ये सारे किसके, ये अफ्रीका के, अंटार्कटिका नीचे महाद्वीप है, तो इन इन सब से जगहों से गुजर रहा है। ठीक है जी, तो ग्रीनविच जीएमटी लाइन। ठीक है, ये देखो ये आ गया आपका मैप पे, देखो अंटार्कटिका नीचे ये है। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका यहाँ कहीं है, कीनिया यहाँ कहीं है, तो वो तो नहीं आया ना। ठीक है चलो, एज पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अ कंट्री इज द इन द फर्स्ट स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिस कंट्री विल हैव। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से ये कंट्री अगर अपनी पहली स्टेज में है तो इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगा, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होगी, वेरिएबल फूड फूड सप्लाई होगी। तो आप बताएं अपने ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से ये फर्स्ट स्टेज में, कोड्स बता दो जल्दी से। नाइनटीन का डी, चलो देखें, देखो अगर फर्स्ट स्टेज में तो हाई डेथ मोर्टेलिटी रेट होगी, मृत्यु दर ज्यादा होगा, टू विच पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगी, हाई बर्थ रेट हेंस फर्टिलिटी रेट इज हाई, तो बर्थ रेट हाई होगा, फर्टिलिटी रेट भी इसका ज्यादा ही होगा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा जीवन जो है वो नहीं होगा लोगों का, और
डेवलपमेंट और एजुकेशन भी उसका स्तर भी कम होगा, वेरिएबल फूड सप्लाई होगी जहां एग्रीकल्चर एडवांस नहीं होगा। तो अब सीधी सी बात है, तो ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से अगर ये पहली बार पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो होगा क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा है, फर्टिलिटी रेट हाई होगा, ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली इट हैज हाई बर्थ रेट तो फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा हो गया, ठीक है जी। और उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो क्योंकि यार हेल्थ केयर इतनी जल्दी तो नहीं डेवलप होते, वेरिएबल फूड सप्लाई, हाँ एग्रीकल्चर भी जो है वो गड़बड़ होगा, एडवांस तो होगा नहीं, तो इसी वजह से चारों ठीक है ऑप्शन, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अम्हारा रीजन रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अम्हारा रीजन सुना है क्या न्यूज में? चलो 20 का बी 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 मतलब बी कह रहे हैं, चलो देखें। हाँ ठीक है, ये देखो पहले तो ये बड़े मैप में देखो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस रीजन में है ये वाला लोकेशन। अब ये रहा ना, ये आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं, तो उसमें ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, तो ये इथोपिया है कंट्री, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये जो आपका पार्ट इसमें दिया गया है इसके बारे में अम्हारा की बात हो रही है, तो ये अम्हारा लाइज विद इन इथोपिया, ठीक है, तो कंट्री है इथोपिया, ठीक है। अब मुझे एक बार मेंशन करके बताओ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से चार देश आते हैं, कुछ तो यहीं पे है नाम आपको मिल जाएंगे, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, बिल्कुल ठीक, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू, दक्षिण से आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, पढ़ना ध्यान से, दक्षिण से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो करेक्ट सीक्वेंस बताओ। चलो बहुत आसान है, 21 का सी दे दिया सबने, 3 4 1 2 देख लो, सबसे नीचे मिजोरम है, ठीक है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, तो साफ है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कोई भी बता देगा मिजोरम सबसे पहले, फिर मणिपुर, फिर अरुणाचल और फिर नागालैंड, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप ध्यान से देखा है तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 21st एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जल्दी से बताओ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, 143, 161, जल्दी जल्दी, प्रेस फ्रीडम का बुरा हाल है ना भारत में वैसे। चलो आंसर देखें, 161 है आउट ऑफ 180, प्रॉब्लमैटिक, वेरी बैड, ठीक है, प्रेस की वो बिल्कुल आजादी नहीं है, प्रेस बहुत हद तक सरकारों के दबाव में है भारत में, ठीक है। और कंट्री 11 रैंक्स नीचे उतरी है सिंस द 2022 रिपोर्ट, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क पहले तीन पोजीशंस पे है प्रेस फ्रीडम में बेसिकली, और वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया बॉटम थ्री है, बांग्लादेश को छोड़ दें, म्यांमार और चाइना को छोड़ दें, सारे नेबर्स भारत से अच्छे, भूटान अच्छा है, भूटान में प्रेस फ्रीडम ज्यादा, नेपाल में ज्यादा, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान में ज्यादा है 150 और अफगानिस्तान में 152, तो ये स्तर है भारत में प्रेस का, ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जो है इसे वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, पहली स्टेटमेंट कहती है। दूसरा, न्यू इंडिकेटर कॉल्ड द जॉब्स गैप विच एनकंपसेस ऑल इंडिविजुअल्स हु डिजायर्ड एम्प्लॉयमेंट बट आर करेंटली जॉबलेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही हैं, जल्दी बताएं। वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ये पहली स्टेटमेंट कहती है। एक नया इंडिकेटर जिसे जॉब्स गैप कहा जाता है, ये डाला गया है हु डिजायर
एम्प्लॉयमेंट बट आर करंटली जॉबलेस, जो जॉब चाहते हैं लेकिन अभी जॉबलेस है, ठीक है। तो ये भी एक जो है डाला गया है। ठीक है, आंसर देखिए, पहली बात तो बी है इसका आंसर। देखो क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट रिलीज की, ना कि वर्ल्ड बैंक ने। तो यहां पे वर्ल्ड बैंक की जगह क्या आएगा, ILO, ठीक है, ध्यान रखना। एक नया इंडिकेटर इसमें डाला गया है, ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो नया इंडिकेटर है वो इसके अंदर डाला गया है, और इसको द जॉब्स गैप कहते हैं। ये वो लोग जो आप ये कह लें कि एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं लेकिन जॉबलेस है, तो वो उसके संदर्भ में, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो जॉब्स गैप मैंने बता दिया आपको, ये इंडिकेटर डाला गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द पीएम स्वनिधि इज द माइक्रो क्रेडिट स्कीम लॉन्च्ड इन 2020 टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर। स्वनिधि एक छोटा कर योजना है जिसमें 2020 में जिसे शुरू किया गया था, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको जो है सरकार सपोर्ट देती है। स्कीम जो है ये एक साल का लोन देती है 10 लाख रुपए का, और इसमें फिर विद सब्सिक्वेंट लोन्स ऑफ, जिसमें आगे 20,000 50,000 के लोन 7% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ दिए जाते हैं टू अप्रोक्सीमेटली 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए, आप बताएं कौन सा सही है इसमें से। स्वनिधि योजना के बारे में बात हो रही है, करेक्ट बताना है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, या फिर नीदर वन नॉट टू, जल्दी से बता दो। स्वनिधि योजना, अच्छा 7% नहीं है, क्या बोल रहे हो, 6,000। देखो आते हैं ए इसमें करेक्ट, ठीक है, तो वन ओनली। देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने 3 साल जो है वो पूरे कर लिए पीएम स्वनिधि के। गवर्नमेंट ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप भी शुरू की स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ताकि आसानी से लोन एप्लीकेशन प्रोसेस हो सके। स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट स्कीम है 2020 में शुरू की गई थी टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग टू स्ट्रीट वेंडर्स टू टाइड ओवर पेंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्ट्रेस, जो कोविड की वजह से जो स्ट्रेस आया था उससे निकलने के लिए। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और इसका मकसद है फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाए, देखो जो शुरुआत के लिए जो लोन चाहिए होता है, और फिर रेगुलर रीपेमेंट को भी इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है जो लोग करते हैं उसको भी रिवॉर्ड देने के लिए। स्कीम के अंदर जो है ये कोलेक्ट्रल फ्री 1 ईयर लोन है 10,000 रुपए का, और उसके बाद सब्सिक्वेंट लोन्स है 20,000 और 50,000 के। यहां क्या लिखा है, 10 लाख, भाई 10 लाख का नहीं मिलता कोई अमाउंट, ये ध्यान रखना, 10 लाख का नहीं मिलता। मिलता कितना है, जो इसमें सबसे पहले मिलता है 10,000 का, फिर 20,000 का, फिर 50,000 का, और 7% इंटरेस्ट सब्सिडी 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। तो ये यहां पे गड़बड़ थी, ये मैंने अभी आपको पूरा बता दिया। तो इसलिए इसमें सिर्फ ठीक कौन सा हुआ, हाँ ये वाला ठीक हुआ। और एक और ध्यान रखना, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है पीएम स्वनिधि, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हेमलैंड इज अफगानिस्तान्स लॉन्गेस्ट रिवर, हेमलैंड अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ हेमलैंड रिवर इज सीरियस डिस्प्यूट बिटवीन अफगानिस्तान एंड इराक। तो हेमलैंड नदी पर डिस्प्यूट है अफगानिस्तान और इराक में, सीरियस डिस्प्यूट, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो एक तो ये तो आप बड़ी आसानी से बता ही दोगे, इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। ये देखो आंसर है ए। ए मतलब भाई अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेमलैंड है, बिल्कुल ठीक है ये। देखो
तो हेमलैंड नदी काबुल से ओरिजिनेट होती है हिंदू कुश माउंटेन रेंज में और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में जाती है, 1150 किलोमीटर लेंथ है, और लेक हेमू में जाके गिरती है, एम्प्टी होती है। और यार अफगानिस्तान के साथ ईरान का कहाँ बॉर्डर, इराक का कहाँ बॉर्डर, ये इन्होंने इराक लिख के गड़बड़ कर दिया। इस रिवर को लेकर डिस्प्यूट अफगानिस्तान और ईरान में है, ठीक है? तो किसके बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, उसके पड़ोसी ईरान के साथ ही होगा ना, तो अफगानिस्तान और ईरान का डिस्प्यूट है ये, इराक का कोई लेना देना नहीं, वो जब है ही नहीं वहां पे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेबी हैज रिसेंटली इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर बीमा वाहक्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज टू सर्व एज अ क्रूशल लास्ट माइल कनेक्शन। देखो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, कि इसने कुछ गाइडलाइंस इशू की है बीमा वाहकों के लिए, ताकि वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके और लास्ट माइल कनेक्शन जो है वो हो सके लोगों से। दूसरा, एक्टिविटीज असाइन टू बीमा वाहक इंक्लूड कलेक्टिंग प्रपोजल इंफॉर्मेशन, केवाईसी कंप्लायंस, कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्टिंग पॉलिसी क्लेम्स रिलेटेड सर्विसिंग एटसेट्रा। तो बीमा वाहकों के कार्य ये सब हैं जो यहाँ पे बताया, कलेक्टिंग प्रपोजल इंफॉर्मेशन, केवाईसी करवाना लोगों का, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट पॉलिसी क्लेम रिलेटिंग सर्विसेज, ये सब देना। तो आपको बताना है विच ऑफ दीज गिवन अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बीमा वाहकों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए, ये पहला स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, वन ओनली करेक्ट, टू ओनली करेक्ट, बोथ वन एंड टू करेक्ट, या नीदर वन नॉट टू करेक्ट, जल्दी बता दो। देखें चलो आंसर, आईआरडीए जो है उसने जो है कुछ गाइडलाइंस इशू किया फॉर बीमा वाहक, ठीक है, सेबी ने नहीं, ठीक है, आईआरडीए ने की है, नॉट सेबी, ठीक है जी। तो इसलिए आंसर बी। और दूसरा ठीक है कि बीमा वाहकों के काम क्या है, कि बीमा वाहक कोर कंपोनेंट है आईआरडीआई के इंश्योरेंस के, जो 2047 तक के उनके जो टारगेट है, ताकि इंश्योरेंस लोगों तक पहुंचाई जा सके अलग अलग तरीके की। तो इसमें बेसिकली इंश्योरेंस इकोसिस्टम में इंश्योरेंस कस्टमर आते हैं जिनको पॉलिसी बेची जाती है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर आते हैं जो कंपनियां होती हैं जो इंश्योर करती हैं, और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर इंटरमीडियरीज जो इंश्योरेंस को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। बीमा वाहक के काम क्या होंगे, तो बीमा वाहक जो है एक लीगल पर्सन होगा जो लॉज बेसिकली जो इंश्योरर के होंगे वो सब जो है वो बताएगा ग्राहक को। इंडिविजुअल बीमा वाहक जो है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे कॉर्पोरेट बीमा वाहक अपॉइंट किया जाए, ठीक है, और ये सारे कार्य करेगा, मतलब ये प्रपोजल भी कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन, उसके अलावा केवाईसी भी कराएगा लोगों का, कोऑर्डिनेशन सपोर्ट देगा, अगर किसी को क्लेम होगा इंश्योरेंस का तो वो भी निर्वाहन करने में मदद करेगा, तो इसीलिए उसका नाम बीमा वाहक रखा गया। लेकिन इसमें सेबी नहीं, सेबी तो यार स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, और आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये तो कॉमन सेंस से हो जाना था। ठीक है चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला, डब्ल्यूएचओ डिस्क्राइब्स थ्री फॉर्म्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। डब्ल्यूएचओ तीन प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में जिक्र करता है भारत में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यूनियन बजट ने 100 करोड़ रुपए दिए नमस्ते स्कीम के लिए फॉर पीपल इन्वॉल्व इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नीदर वन नॉट टू? सी। चलो आंसर देखिए, आंसर है बी। देखो कैसे, देखो एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, जो कहता है कि 766 में से 508 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश भर में जो अपने आप को जिन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री कर लिया, जहां पे सीधा मतलब आम कूड़ा बीनना और चुनने वाला काम करते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके तीन प्रकार कहती है भारत में जो मौजूद है, तो ये ठीक है। ठीक है, अब पहला क्या, WHO ने नहीं, ILO describes three forms, ठीक है, तो ILO describes three forms। और दूसरा देखो, नमस्ते स्कीम 2022 में शुरू की गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है केंद्र सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनका मकसद है
बिल्कुल अनसेफ सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए। मतलब एक व्यक्ति घुसता है ना सीवरेज में और वहां उसको शायद सेप्टिक टैंक के अंदर बहुत लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, तो ऐसे अनसेफ सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस खत्म की जाए, ठीक है। और यूनियन बजट 2023-24 में 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके लिए, जिसे नमस्ते स्कीम कहा जा रहा है। पूरा है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, और ताकि 100% मैकेनिकल डिसलजिंग हो, मतलब जो भी वो अंदर से जो वेस्ट निकाला जाता है वो मैकेनिकल डिवाइसेस से हो, इंसान ना घुस के निकाले उसके अंदर से, ठीक है। चल नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फतेह मिसाइल, ठीक है। मिसाइल इज नेम्ड बाय द इरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खुमेनी फतेह इन फारसी विच मीन्स कॉन्करर। इसकी स्पीड है मिसाइल की Mach 5, तो आप बताएं कौन सी सही है इसमें से स्टेटमेंट, या आपने जरूर डिफेंस न्यूज जो कराई जाती है उसमें जरूर पढ़ा होगा, डिफेंस न्यूज या फिर जो इंटरनेशनल। चलो पत्ते पाक देखो, अब देखो क्या है, अभी पीछे यूएस और ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो है टेंशन बनी रही। ईरान ने एक नया वेपन अपने जखीरे में जोड़ दिया है जो आवाज की गति से 15 गुना तेजी से चल सकता है। मिसाइल का नाम, हाँ बिल्कुल सही है, आयतुल्ला खमेनी फतेह के नाम से जो है वो जोड़ा गया है, और फतेह जो नाम है ये उनके सुप्रीम लीडर के नाम से आया है। और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उन्होंने पहली डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना डाली है, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर दूर तक जाएगी, स्पीड आवाज से 15 गुना ज्यादा, यानी Mach 15, नॉट Mach 5, ठीक है। तो Mach 5 जिनको ये है ना, यहाँ 15 होता तो ठीक होता, तो ये अभी तो गलत है और ये ठीक है, ठीक है, पाक मिसाइल नहीं है भैया, ठीक है, ईरानियन मिसाइल है और आवाज की गति से 15 गुना तेज जो है वो उड़ सकती है, ठीक है जी। तो आंसर आ गया आपका ए। चलो अगले सवाल पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च विद अ व्यू टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। दूसरा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इज द एपेक्स बॉडी एसोसिएटेड विद which will coordinate with public and private partners, which of the following given statement is correct, जल्दी से बताओ। सी कह रहे हो आप हैं कि माहिर दो स्कीम है उसके बारे में है, मिशन है बेसिकली, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च विद अ व्यू टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टेक्सटाइल सेक्टर से, ठीक है। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन सबसे उच्च संस्था है जो कोऑर्डिनेट कर रही है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स से। टू ओनली, चलो आंसर देखो, आंसर है नीदर वन नॉर टू। देखो अब गवर्नमेंट ने मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च शुरू किया है, तो बेसिकली टू मेक पावर सेक्टर, मतलब लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर, यहां पे क्या दिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन टेक्सटाइल सेक्टर, तो पहला गलत हो गया ना, पावर सेक्टर की बात थी तो ये गलत हो गया। दूसरा, अब पावर सेक्टर, अब केवीआईसी जब है ही नहीं, खादी विलेज एंड, अब जब ये है ही नहीं टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ तो केवीआईसी भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। देखो पहला अगर आपको पता है ना तो दूसरा तो आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, ये भी गलत, ठीक है, तो नीदर वन नॉर टू आएगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स फॉर इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे पहले बताओ जल्दी से, ठीक है, कब होता है, बहुत आसान है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो ऑर्गेनाइज करवाती है कि इस दिन इवेंट्स। दूसरा, इनॉग्रल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे वॉज हेल्ड इन June 2014 एट UNGA हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है, तो
31 का डी बोल रहे हो है? अरे नहीं यार, जून तो 21 सही है। चलो रविशंकर, चलो देखो, इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है टू प्रमोट न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? तो ये थीम थी, ठीक है? अब पहली बात जो यहां पे पूछा गया कि भाई 11 दिसंबर 2014 को 193 मेंबर स्टेट्स इकट्ठे हुए थे इंटरनेशनल योगा दिवस पर, 21 जून को 2014 193 मेंबर्स, ठीक है? अब पहला इंटरनेशनल डे दुनिया भर में मनाया गया 21 जून 2015 को, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सारे अरेंजमेंट्स किए, ठीक है? तो यहां आंसर आएगा टू। देखो पहली बात तो यहां पर जो है आपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोला, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आएगा, आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी, ठीक है? तो वो आएगा यहां पे, तो ये हो गया गलत आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है। दूसरा, ये जो है 2015 में मनाया गया था, ठीक है ना? यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2014 में मनाया गया था, ठीक है? तो ये हो गया आपका गलत, 2015 में, 21 जून 2015 को पहली बार बनाया गया था, ठीक है? तो ये यहाँ पे छोटी सी गलती है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, तो यहाँ पे आप आंसर में क्या देखोगे, तो ये भी गलत हो गया। तो वन भी गलत, टू भी गलत, नीदर वन नॉट टू जो है वो आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है, करी इरशाद मैंगो को जीआई टैग मिला, वो कौन से स्टेट से है? करी इरशाद मैंगो जल्दी से बता डालो। ठीक है, चलो कर्नाटका इज द राइट आंसर। देखो करी इरशाद उत्तर कन्नड़ा कर्नाटका से है, और इसे जीआई टैग मिला है सरकार की तरफ से। अब जीआई सर्टिफिकेट जो है उसे वाज इशूड टू मठा टॉटगर्स फार्मर प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड। तो एक कंपनी है मठा टॉटगर्स फार्मर प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड, उसको मिला है। तो इस आम के लिए ये एक्सेप्शनल, इसकी कुछ जो फीचर्स हैं जैसे खुशबू अलग है, टेस्ट अलग है, पल्प भी जो है वो जेनरस है इसका, और शेप और साइज भी जो है वो काफी अच्छा है, बाकी आम से जो है अलग है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, तो कहां से ताल्लुक रखता है? कर्नाटका से। तो डी इसमें आपका आंसर है, डी, ठीक है जी, कर्नाटका, उत्तर कन्नडा से। चलो जी नेक्स्ट, अग्निपी इज अ कैनेटराइज सरफेस टू एयर क्रूज मिसाइल विद 1000 to 2000 किलोमीटर रेंज कैपेसिटी। अग्निपी की बात हो रही है, एक कैनिस्टर में रख के सरफेस से एयर में लॉन्च की जाती है, 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज कैपेबिलिटी है। अग्निपी अपग्रेडेड वर्जन है अग्नि क्लास का, और अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइल्स बेसिकली उनको रिप्लेस करेगी, ठीक है? छठी क्रूज मिसाइल है अग्नि मिसाइल सीरीज की, तो बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से देखना ये पूछा है, अब बताओ। चलो देखें, ये देख लो आंसर ए, P2 स्टेज कैनिस्टराइज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, और विद रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है? और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। यहां पे क्या बोला था हमने, सरफेस टू एयर क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक है पहली बात तो, और सरफेस टू सरफेस है, ठीक है जी। चलो आगे देखें, डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम को, जिसे अग्नि पी कहते हैं, एज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, ताकि अग्नि 1 और 2 मिसाइलों को रिप्लेस किया जा सके। तो ये तो ठीक है आपका, ठीक है। सिक्स्थ क्रूज मिसाइल, सिक्स्थ बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर से गलत हो गया, सिक्स्थ बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज नहीं, ठीक है? तो ये हो गया आपका गलत, 1 एंड 3 आर रॉन्ग, तो आपका जो है आंसर आ गया ए।
Next, consider the following statements. Union Cabinet has approved a revival package for state-owned telecom operator BSNL with an outlay of 89,047.82 crores. Authorized capital of BSNL was increased from 1,50,000 crore to 2,10,000 crore. तो आपको बताना है कौन सा सही है. पहला कहता है यूनियन कैबिनेट ने एक टेलीकॉम सेक्टर बीएसएनएल को एक पैकेज दिया है 89,000 का तकरीबन, और ऑथराइज कैपिटल बीएसएनएल की जो 1.5 लाख से बढ़ा के 2,10,000 करोड़ कर दी गई है. आप बताएं कौन सी सही है स्टेटमेंट. वन टू बोथ वन एंड नीदर वन नॉट टू. चलो आंसर देखें. आंसर है सी, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है. ठीक है. अब 4G और 5G स्पेक्ट्रम लाने के लिए अलॉटमेंट बेसिकली उसका किया जा रहा है, और उसके लिए 89,047 बिल्कुल ये सही फिगर है इसमें जो दिया गया है, और ऑथराइज कैपिटल भी 1.5 लाख से बढ़ा के 2,10,000 कर दिया गया है. तो दोनों ही इस पर्टिकुलर न्यूज में से उठाए गए पॉइंट्स हैं और दोनों करेक्ट हैं बीएसएनएल के संदर्भ में, तो इसलिए आपका आंसर आ गया सी. ठीक है. चलो अगला. Consider the following statement. Researchers at IIT Kanpur have developed 100% dimethyl ether fueled engine with a mechanical fuel injector system. तो IIT Kanpur के जो researchers हैं उन्होंने एक 100% dimethyl ethyl fueled engine बनाया है for mechanical fuel injection system. दूसरा, Ministry of Road Transport and Highway of India has funded research and development project. तो ये project, इसको पैसा किसने दिया? Ministry of Road Transport and Highway ने. तीसरा, the प्रोजेक्ट अलाइंड विद मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग एम टू रिड्यूस द इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो बेसिकली मिथेनॉल इकोनॉमी का जो प्रोग्राम है नीति आयोग का, वो भारत का ऑयल इंपोर्ट का बिल जो है वो कम कर देगा और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कम कर देगा. तो आपको बताना कौन सा सही है, वन एंड थ्री, टू एंड थ्री, वन ओनली या वन टू एंड थ्री. फ्यूल इंजेक्शन इज ओल्ड टेक्नोलॉजी. ठीक है. चलो देखें. अब ये देखो, आईआईटी कानपुर के जो है इन्होंने फर्स्ट 100% डायमिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर व्हीकल बनाया है फॉर बोथ ऑन एंड ऑफ रोड एप्लीकेशन. ठीक है. और रिसर्च को सपोर्ट मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड से, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है. मिथेनॉल इकोनॉमी जो है वो नीति आयोग का एक पार्ट है टू रिड्यूस इंडियाज, मतलब उसका एक प्रोग्राम है टू रिड्यूस इंडियाज ऑयल इंपोर्ट और ग्रीन हाउस एमिशन. ठीक है. तो अब एक चीज है यहाँ पे, वन इसमें जो है वो आपका जो है ए इसमें आंसर है, वन एंड थ्री आर करेक्ट एंड टू इज नॉट करेक्ट. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने इसको फंड नहीं किया है. ठीक है. तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने इसको फंड नहीं किया है. ठीक है. चलो ठीक है. तो वन एंड थ्री इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शक्ति स्कीम. शक्ति स्कीम के संदर्भ में है यहां पर. ठीक है. इसमें मैं नंबर डाल दूं, यहां पे कुछ नंबर मिसिंग है. चलो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने शक्ति स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं ताकि फ्री ट्रेवल प्रोवाइड किया जा सकते एससी एसटी लोगों को स्टेट रन बसेस में, मतलब सरकारी बसेस में. स्कीम जो है इसमें इसकी कॉस्ट तकरीबन होगी 4700 करोड़ पर ईयर. कौन सी स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या नीदर वन नॉट टू. करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. चलो देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है, शक्ति स्मार्ट कार्ड इश्यू किए गए हैं. तो वुमेन, लेकिन देखो एससी एसटी नहीं, टू वुमेन इन स्टेट रन. शक्ति से जब जब शब्द आ गया तो नारी शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. और तकरीबन इसमें 4700 करोड़ का बजट है. ठीक है. तो 40 लाख महिलाएं इसमें तकरीबन रोज ट्रेवल करेंगी. ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला ठीक है, यहाँ एस सी एस टी नहीं, विमेन आना था, ये रॉन्ग हो गया. तो आपका आ गया बी, टू ओनली. द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज साइंड अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन ऑफ शिवा प्रोजेक्ट. तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ जो है वो समझौता किया है शिवा प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है. AIIB, ADB, IMF या वर्ल्ड बैंक, जल्दी से बताओ. ए,
आंसर है बी। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। तो देखो प्रोजेक्ट क्या है, लोन अग्रीमेंट है हॉर्टिकल्चर इरिगेशन और वैल्यू एडिशन के लिए, जिसे कहा जाता है एचपी शिवा प्रोजेक्ट। ठीक है, 1292 करोड़ जो है इसमें बेसिकली शायद जो है वो अचीव किया जाएगा एडीबी से, और बीज से बाजार तक कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा न्यूज में। तो इसमें एडीबी है प्रोजेक्ट शिवा, और प्रोजेक्ट शिवा इज सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो ये है, इसमें फसलें भी देख लो एक बार, फ्रूट्स जो उगाने का प्लान है, ऑरेंज गुआवा पोमोग्रेनेट एटसेट्रा, 7 जिलों में, जिले देख लो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना। ठीक है, चल नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पे देखो ये जो दिए गए कथन है उन पर ध्यान देना है। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स 2023 इज रिलीज बाय यूनेस्को। ठीक है, पहला। दूसरा, पब्लिकेशन ऑफ 2023 GSNI वाज सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मतलब इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया के GSNI का जो बेसिकली पब्लिकेशन है उसको समर्थन कोरिया की तरफ से दिया गया था, उसके उसको फाइनेंस किया गया। 2023 इंडेक्स हैज बीन अकाउंटेड हैज अकाउंटेड द बायस प्रेजुडिस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आल्सो। ठीक है, तो आप बताएं कौन सा सही है, एक और दो, दो और तीन, सिर्फ दो या एक दो और तीन। चलो देखते हैं आंसर। देखो सी है। देखो रिपोर्ट कहती है, ये GSNI रिपोर्ट कहती है कि भाई लास्ट डेकेड में, पिछले 10 साल में जो है वो प्रेजुडिसेस अगेंस्ट वुमेन डिडंट रिड्यूस। ठीक है, मतलब कम नहीं हुए, और 90% लोगों में अभी भी जेंडर बायसनेस है। ठीक है, इट क्वांटिफाइज बायसेस अगेंस्ट वुमेन कैप्चरिंग पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन रोल। तो महिलाओं के रोल को लेके अभी भी जो है लोगों में बायसनेस है। उसने लोगों के एटीट्यूड को जो है महिलाओं के प्रति 4 डायमेंशन में, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटेग्रिटी में जो है ट्रैक किया, मतलब कि भाई लोगों के क्या विचार हैं, और कुछ पॉइंट्स निकल के आए। जैसे 85% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिवील्स दैट 9 में से 10 मेल एंड वुमेन होल्ड फंडामेंटल बायसेस। तो मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ वो डिफरेंसेस मानते हैं कि मेल और फीमेल में होते हैं। तकरीबन 90% से ज्यादा लोग जो है उनके अंदर अभी भी बायस है। 25% ऑफ पीपल बिलीव इट इज जस्टिफाइड फॉर मैन टू बीट हिज वाइफ। तो 25% लोग कहते हैं अपनी बीवी को अगर पीटता भी है मर्द तो वो ठीक है। देख लो, मतलब अभी तक भी ये विचार है। और जहां पे कंट्रीज ऐसे जहां पे ग्रेटर बायस है जेंडर सोशल नॉर्म में, वहां पे लोअर प्रेजेंस दिखती है पार्लियामेंट में महिलाओं की। ठीक है, तो ये सारे अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें, सी, 2 only इज करेक्ट। तो पहली बात तो ये रिपोर्ट जो है, एक बार हम रिपोर्ट देख लें। ठीक है, तो इज नॉट रिलीज्ड बाय तो यूनेस्को। ठीक है, और दूसरा 2023 इंडेक्स हैज अकाउंटेड द बायस प्रेजुडिस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आल्सो। तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट क्या है, सिर्फ 2 करेक्ट है। इसको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो इसको कराने के लिए जो सारा खर्चा था वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने दिया था। ठीक है, तो बेसिकली उसकी फाइनेंसिंग उनकी तरफ से हुई है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़ी है, और ये कहता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें पैसे सीधे अकाउंट में आते हैं। Launched in 2017 under Ministry of Tribal Affairs. Ministry ध्यान से देखना, शायद गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, under the scheme, monetary benefit of 15,000 is given to the expecting mother of only STs from the time of the initial stage of pregnancy to the time till the child is born. तो 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है उन माताओं को शेड्यूल ट्राइब्स की जो अपनी शुरुआती प्रेगनेंसी लेके आखिर में बच्चे को जन्म देने तक के समय तक के बीच में। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, पहली सही है, सिर्फ दूसरी सही है, पहली और दूसरी दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है।
चलो आंसर देखते हैं। पहला तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो जिसे गोद भराई सेरेमनी से बेसिकली एक शुरू किया गया। अब ये देखो पीएम मातृ वंदना योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। मैंने बोला था ना ये गड़बड़ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है ट्राइबल अफेयर, तो हो गया ना गलत। और पार्शियल कंपनसेशन दिया जाएगा वेज लॉस के केस में इन टर्म्स ऑफ कैश इंसेंटिव, ताकि महिलाएं जो हैं वो सही तरीके से रेस्ट ले सके, ये जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। इंप्रूव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमंगस्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, तो ये इसके कि भाई ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो आप अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनके लिए बेसिकली हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में बदलाव लाया जाए, ये इसके प्लान्स हैं कि भाई मतलब ये हम करेंगे, अचीव करेंगे। ठीक है, और ये कुछ इसमें फीचर्स हैं, जैसे आप ये देख लें कि स्कीम में मेटर्निटी बेनिफिट सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिसएडवांटेज सेक्शन को दिए जाते हैं। मेटर्निटी बेनिफिट महिलाओं के लिए जिनके फॉर फर्स्ट टू लिविंग चिल्ड्रन प्रोवाइडेड द सेकेंड चाइल्ड इज द गर्ल, के अगर दूसरी दूसरा बच्चा है अगर लड़की है तो भी उसे ये बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखें तो इसमें क्या है, अगर आप देखें तो आंसर है डी। इसका मतलब दोनों ही गलत है। 15,000 की जो है वो कोई राशि नहीं दी जाती यहाँ पर। आप देखें 5,000 दिया जाता है इंस्टॉलमेंट्स में प्रेगनेंसी में, और 2,000 जो है वो 6 महीने के बाद, सीधा 15,000 की कोई राशि जो है नहीं दी जा रही। आप टोटल कर लो तो भी वैसे भी नहीं बन रही। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपका नीदर वन नॉट टू इसमें आएगा। वट वॉज द थीम ऑफ यू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 विच इज ऑब्जर्व अक्रॉस वर्ल्ड ऑन 12 जून 2023। तो 12 जून से संबंधित है। चिल्ड्रन शुड वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर या सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। हाँ, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आंसर है इसका सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो डी इसमें सही उत्तर है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ये याद कर लेना थीम। ठीक है, तो 12 जून 2023 को पूरी दुनिया में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023। ठीक है, एज पर रिपोर्ट रिलीज ऑन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे अबाउट द एल्डरली वुमेन हिमाचल प्रदेश हैव बीन विक्टिम्स ऑफ फिजिकल वायलेंस। ठीक है, तो ये बताना है कि भाई वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे पर एल्डरली महिलाओं के ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें फिजिकल वायलेंस की विक्टिम कितनी महिलाएं पाई गई, 56%, 66% या 76% या 88%। बी, चलो आंसर बी, 66%, बिल्कुल ठीक है। ये पूरा आप डेटा देख लेना, मैं ये आपको फाइल जो है वो डलवा ही दूंगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीकंपोजर्स इन फूड चेन एंड द रोल प्लेड बाय देम। अब फूड चेन में डीकंपोजर्स और उनके रोल पर ये कुछ कथन दिए गए हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज रिड्यूसर्स। डीकंपोजर्स को रिड्यूसर्स भी कहते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। बैक्टीरिया और फंजाई इस कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखते। दे ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स फॉर देयर फूड एंड लीव द एनवायरमेंट द सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपको सही बताना है इसमें कौन सा है, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो और तीन। पुष्पा जी ने सी किया है। चलो देखें आंसर पे आते हैं जल्दी से। चलो डीकंपोजर्स, अब देखो आंसर है सी, मतलब वन और थ्री करेक्ट है। बैक्टीरिया और फंजाई इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये क्या कह रहे हैं जी। ठीक है, अब करेक्ट पूछा था ना इन्होंने, तो देखिए तो रॉन्ग हो गया ना। हाँ, तो वन और थ्री ठीक है। देखो बैक्टीरिया और फंजाई इस कैटेगरी से है, ये गलत हो गया ना। बैक्टीरिया और फंजाई तो करते हैं ये काम डीकम्पोजिंग का, तो ये तो इन्होंने गलत ही कर दिया बिल्कुल। ठीक है, पहला ठीक है, हाँ रिड्यूसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है इनका कि दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल
and consumers and release to the environment simple inorganic and organic substances. ठीक है, तो पहला और तीसरा ठीक है, आंसर आ गया आपका सी. दूसरा गलत है भाई, बैक्टीरिया और फंजाई तो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ना क्यों करा है? ठीक है, चल. असम बैराज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया? असम बैराज, चलो आंसर है ए. ठीक है, तो ये कहां पर है? असम बैराज दून वैली देहरादून में, तो देहरादून करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायो बायोअब्सॉर्प्शन. ठीक है, बायोअब्सॉर्प्शन. ठीक है, चलो. इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल्स टू एक्यूमुलेट हैवी मेटल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर थ्रू मेटाबॉलिकली मीडिएटेड बाय द यूज ऑफ एटीपी और स्पॉन्टेनियस फिजियोकेमिकल पाथवेज ऑफ अपटेक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी or as a property of certain types of inactive living non-living microbial biomass which bind and concentrate heavy metals from even very dilute aqueous solutions. देखो, और उसके बाद it is a complex process that depends on the different factors like cell physiology, physiochemical factors such as pH, temperature, contact time, ionic strength and metal concentration, chemistry of metal ions, सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होगा. ठीक है, चलो, ये तो बहुत ही बड़ा है. चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको जल्दी से. देखो, बायोअब्सॉर्प्शन के केस में वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है तो वो वाटर पोल्यूशन करता है अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो, ड्यू टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसमें हैवी मेटल ज्यादा होते हैं. ठीक है, देखो, तो इसमें दोनों सही है, ये पहला भी ठीक हैवी मेटल की बात जो है वो करते हैं, और दूसरा देर आर सेवरल टेक्निक्स टू रिमूव हैवी मेटल्स. कई तरीके होते हैं जिससे हैवी मेटल निकाले जा सकते हैं, जैसे बायोअब्सॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, एडसॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल, बट देर इज सम लिमिटेशन सच एज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट टाइम. मतलब कुछ प्रॉब्लम है जैसे टाइम ज्यादा लगता है उसमें. ठीक है, तो ये बायोअब्सॉर्प्शन, इसको एबिलिटी कहते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल की टू एक्यूमुलेट हैवी मेटल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर. तो बेसिकली कि हैवी मेटल्स जो एक्यूमुलेट कर लेता है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एटीपी और स्पॉन्टेनियस फिजियोकेमिकल पाथवेज ऑफ अपटेक. ठीक है जी, तो इसमें क्या है, दोनों ही ठीक है. जो पहला वाला ये लाइन दी गई थी, और दूसरा के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे सेल लॉजी, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, पीएच, टेम्परेचर, कॉन्टैक्ट टाइम एटसेट्रा. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क? जल्दी से बताओ. ब्रह्मपुत्रा नदी, दिफ्लू नदी, हाईवे नंबर 37, नेशनल हाईवे नंबर 37, रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे, क्या नहीं गुजरता काजीरंगा नेशनल पार्क से? सी आसाम. हाँ यार, ये तो ठीक है. चलो, काजीरंगा नेशनल पार्क ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के एज पे है. ठीक है, और 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे घोषित किया है, और यहाँ पे एवी फॉनल स्पीशीज को संरक्षित करके रखा जाता है. ठीक है, तो डी है इसका आंसर. यहां से कोई रेलवे ट्रैक नहीं गुजर रहा है. ठीक है, तो यहां से क्या नहीं गुजर रहा है? रेलवे ट्रैक नहीं गुजर रहा है. ब्रह्मपुत्रा नदी है, दिफ्लू नदी है, हाईवे नंबर 37 है, पर कोई रेलवे ट्रैक नहीं है. यहां पे एक सींग वाला राइनो पाया जाता है जो एक बड़ा ही एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो इसकी खास पहचान है. ठीक है, नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, इट गिव्स अ लीगल बेसिस टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन इंडिया. बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट की बात हो रही है कि वो लीगल बेसिस देता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भारत में. दूसरा, इट एनविसेजेस अ टू टियर स्ट्रक्चर ओनली टू रेगुलेट द एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच इंक्लूड द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, द स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स. जल्दी से बताएं, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, या नीदर वन नॉट टू? हम्म,
नॉट मॉन्ट्रियल आई थिंक वो। चलो डी आंसर है नीदरबान नॉट टू। देखो पहला तो हाँ देखो ये लीगल बायसेस देता है नगोया और कैटेजिना प्रोटोकॉल को, नॉट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बिल्कुल ठीक ठीक है, मॉन्ट्रियल नहीं, नगोया और कैटेजिना प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, और दूसरा है कि इट द एक्ट एनविसेज थ्री टीयर स्ट्रक्चर टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। उसमें आ जाते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट लोकल लेवल्स। ठीक है, तो ये क्या है, टू टीयर स्ट्रक्चर नहीं, थ्री टीयर स्ट्रक्चर आना था, दो तो इसमें ठीक दिए, तीसरा और आना था जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज लोकल लेवल पर। ठीक है चलो, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन पीस। ग्रीन पीस रहता है ना न्यूज में, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा। ग्रीन पीस वॉज फाउंडेड इन 1931 बाय इरविंग स्टोवी एंड डॉर्थी स्टोवी, कैनेडियन एंड यूएस एक्सपर्ट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। इट यूजेस डायरेक्ट एक्शन लॉबिंग रिसर्च एंड इको टार्ज टू अचीव इट्स गोल। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट मनी फ्रॉम गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पोलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द इन्फ्लुएंस। ग्रीन पीस 1931 में इरविंग स्टोई और डॉर्थली स्टोई, कैनेडियन और यूएस एक्सपर्ट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा बनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन लॉबिंग रिसर्च इको टार्ज यूज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तीसरा मनी सरकारों से मिलती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से और कॉर्पोरेशन से, इन ऑर्डर टू अवॉइड देयर इन्फ्लुएंस। अवॉइड देयर इन्फ्लुएंस, चलो इनकरेक्ट बताना है आपको। चलो आंसर है ए। ठीक है, तो वन एंड थ्री आर इनकरेक्ट। ठीक है, ग्रीन पीस के बारे में जान लो, 1971 में बना था, डेट गलत है बस। ठीक है, कैनेडियन यूएस एक्सपैक्ट वो बिल्कुल ठीक है, और ग्रीन पीस का जो गोल है टू इंश्योर एबिलिटी टू ऑफ द अर्थ टू नर्चर लाइफ इन इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है जी, तो पहला और तीसरा गलत है। देखो तो ये दिया क्या है, इन ऑर्डर टू अवॉइड देयर इन्फ्लुएंस, मतलब ये क्या बात हुई, जो जो तीसरी स्टेटमेंट तो वैसे ही कोई भी पढ़ के जो है वो गलत कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पैसे नहीं लेते, इसमें बोला कि ये एक्सेप्ट करते हैं। अब कोई पैसे लेके कहेगा कि भाई हम उसका इन्फ्लुएंस नहीं चाहते, तो ये तो अपने आप में स्टेटमेंट गड़बड़ हो गई ना, किसी से पैसे ले रहे हैं और कहते हैं कि भाई हम उनका इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। वो होता है कि पैसे ना ले ताकि इन्फ्लुएंस ना हो, तो वो कर सकते हैं ये। ठीक है ना, तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते। ठीक है जी, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायबिटीज मेलिटस। इट इज वन ऑफ द एंडोक्राइन डिजीजेस। ठीक है, दूसरा इट इज कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन फ्रॉम लीवर। तीसरा एडोलोसेंट हु आर ओबीज आर मोर लाइकली टू गेट टाइप टू डायबिटीज विच इज मैनिफेस्टेड एज अ हाई ब्लड शुगर। तो पहला तो एक तो ये एंडोक्राइन डिजीज में से एक है, पहली स्टेटमेंट कहती है डायबिटीज मेलिटस के बारे में। दूसरा इनएडिक्वेट सिक्रीशन होता है हार्मोन इंसुलिन का लीवर से। तीसरा एडोलेसेंट्स जो जो कम उम्र के बच्चे जो बहुत जिनका वजन ज्यादा होता है उन्हें टाइप टू डायबिटीज जो है वो लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज हाई ब्लड शुगर। तो आप बताएं कौन सी सही है इसमें, वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। 49 का सी। चलो हाँ, एंडोक्राइन डिजीज है, वन ऑफ द एंडोक्राइन डिजीजेस, ठीक है बिल्कुल। दूसरा दूसरा देखो, इंसुलिन रेगुलेट करता है शुगर लेवल हमारी बॉडी में और इट कॉजेज इंक्रीज ऑफ शुगर इन अवर बॉडी लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो इट कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन नहीं, रेगुलेट्स द लेवल ऑफ शुगर एंड लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज। ठीक है, लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज, तो दूसरा जो है यहाँ पर आपका गलत हो गया। तीसरा जो है वो आपका जो स्टेटमेंट है वो कहता है जी एडोलेसेंट हुआ ओबीज। ठीक है जी, एडोलेसेंट जो ओबीज है वजन जिनका ज्यादा है
तो उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो पहला और तीसरा ठीक हो गए, आंसर आ गया आपका सी। ठीक है जी, पहला और तीसरा ठीक हो गए, आंसर आ गया आपका सी। टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की, रेजोनेंस की, लाइट की, या फिर डिस्प्लेसमेंट की? टेस्ला किसकी यूनिट है, जल्दी बता दो। चलो ए। अब ये देखो, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें कुछ नहीं है। वन टेस्ला इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी जनरेटिंग वन न्यूटन ऑफ फोर्स पर एम्पियर ऑफ करंट पर मीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी, तो ये है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 15, विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट, एक देख लें, 51 है ये, हाँ जी 51 है। ठीक है, 51 है। विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट पेरिस्कोप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग ओवर, अराउंड और थ्रू एन ऑब्स्टेकल और ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्रिवेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन ऑफ सन साइट। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पेरिस्कोप की बात हो रही है। ठीक है, पेरिस्कोप देखा तो होगा आपने, तो उसके हिसाब में है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऑब्जर्विंग ओवर, अराउंड और थ्रू एन ऑब्स्टेकल और ऑब्जेक्ट विच इज प्रिवेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 51 का सी। देखो, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो ओवर, अराउंड या फिर थ्रू एन ऑब्स्टेकल आगे देखने के लिए होता है। समुद्र में यूज करते हैं वो, जो एक वो निकल आता है ना, वो एक ऐसे सांप की तरह वो आगे जाके देख लेते हैं। ठीक है, और आउटर केस होता है 45 डिग्री पे, उसके अंदर जो है वो मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि आप जैसे, तो जूलियस कारपेंटियर एक फ्रेंच इंजीनियर इन्वेंटर थे जिन्होंने सबमरीन पेरिस्कोप बनाया था नीचे से देखने के लिए ऊपर। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे उनपे भी इसका बहुत यूज हुआ। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा सी, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक है और ये आगे देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals, on the other hand, are bad conductors of heat and electricity. Metals are ductile in nature because they can be made into wires for various uses, while non-metals are non-ductile. देखो, पहला कहता है metal अच्छे good conductor होते हैं heat और electricity के, non-metals bad conductors होते हैं heat and electricity के, metal ductile होते हैं जिन्हें shape में ढाला जा सकता है wires में खासतौर पर for various uses. नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, उन्हें नहीं ढाला जा सकता। आप बताएं करेक्ट कौन सा, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। चलो आंसर देखते हैं। देखो, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। डिफरेंसेस मेटल और नॉन मेटल्स में, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, वही मेलेबिलिटी भी अगर कहें तो मेटल किसी भी शेप में ढाला जा सकते हैं, नॉन मेटल्स को नहीं ढाला जा सकता। डक्टाइल के मामले में भी सेम ही है। ठीक है, तो मेटल जो है वो वायर्स की शेप में डाले जा सकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं डाले जा सकते। स्ट्रेंथ, मेटल्स की हाई स्ट्रेंथ होती है, नॉन मेटल्स की हैव नॉट मच स्ट्रेंथ। डेंसिटी हाई होती है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का जो है हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये ठीक है दोनों ही आपके। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये भी आसान है, डायमंड, ग्रेफीन, फुलरीन, और वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। देखो जी, डी सभी है। ठीक है जी, तो देखो एलोट्रोपी और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में ये सभी आ जाएंगे। डायमंड वेल नोन एलोट्रोप है, ग्राफीन सिंगल लेयर है कार्बन एटम्स की, और फुलरीन क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स है, विच In which carbon takes the form of hollow sphere, ellipsoid or tube. ठीक है, तो तीनों ही हैं। ठीक है, तो तीनों ठीक है, ये तीनों ही कार्बन एलोट्रोप्स हैं। चलो अगला, consider the following statement. अब यहां soap से जुड़ा हुआ है। Soaps are long chain of sodium and potassium salts of fatty acids. Second process of making soap is called saponification.
तो पहला क्या है, सोप्स जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से बनते हैं फैटी एसिड्स के, और सोप बनाना सेपोनिफिकेशन कहलाता है। वन ओनली टू ओनली वन एंड टू नीदर वन नॉट टू। चलो आंसर कौन कौन कॉल कर दे रहा है भाई, ठीक है चलो इसका आंसर बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है कि ठीक है सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम, ये भी ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनते हैं, और सेपोनिफिकेशन जो है वो मेकिंग सोप प्रोसेस है। ठीक है तो आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंडिता रमा भाई। अब ये तो हमारा इतिहास का सेगमेंट आ गया। ठीक है, पहला, शी इंप्रेस्ड रिलीजियस एलीट ऑफ द सिटी विद हर मास्टरी ओवर संस्कृत। ठीक है, तो विद हर मास्टरी ओवर संस्कृत लैंग्वेज एंड टेक्स्ट एंड रिसीव द टाइटल ऑफ पंडिता एंड सरस्वती, सरस्वती मतलब गॉडेस ऑफ लर्निंग। शी सेट अप बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन 1882 इन पुणे टू मोबिलाइज वुमेन, महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा शी ब्रॉट आउट अ बुक इन मराठी, मराठी में एक किताब लिख आई थी, स्त्री धर्म नीति मॉरल्स फॉर वुमेन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग हेल्पलेस एंड इग्नोरेंट वुमेन। ठीक है, और चौथा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेजेंटेड हर विद केसरे हिंद मेडल इन 1919। अब बताओ कौन कौन सा इनके संदर्भ में ठीक है। ठीक है, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, जल्दी से बताते जाओ। देखो जल्दी से बता देते हैं इसमें, पहला तो पंडिता रमाबाई मॉडर्न इंडिया 1858 से 1922 तक के बीच में ग्रेटेस्ट महिलाओं में से कही जा सकती है भारत की, और आउटस्पोकन चैंपियन थी, मतलब बेसिकली ये खुल के बातें करती थी विमेन राइट्स और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, और पंडिता इन्हें टाइटल दिया गया था, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पूना में इन्होंने। ठीक है, और शी ब्रॉट आउट अ बुक इन मराठी स्त्री धर्म नीति टू ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग हेल्पलेस एंड इग्नोरेंट वुमेन। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप यहां पर देखें तो इसके अंदर जो है करेक्ट पूछे गए थे आपसे, तो इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं आपके, इसमें आपके करेक्ट है वन थ्री एंड फोर। ठीक है, तो वन थ्री एंड फोर इनके आर्य महिला समाज बनाया था इन्होंने, और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है वो इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो वन थ्री फोर जो है इसमें सही है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, परमहंस मंडली पर है। 1849 में परमहंस मंडली जो है वो पूना सतारा में स्थापित की गई थी और कुछ और टाउन्स में भी, और इट्स फॉलोअर्स हैड फेथ इन वन गॉड एंड दे अपोज्ड कास्ट सिस्टम। तो ये बताएं जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन्स अबव इज आर करेक्ट। मानने वाले एक ही भगवान में मानते थे और कास्ट सिस्टम का विरोध करते थे। चलो आंसर देखे, परमहंस मंडली पूना सतारा और कई और टाउन्स में बनाई गई थी। ठीक है जी, और एक ही भगवान में मानते थे इसके मानने वाले और कास्ट सिस्टम का विरोध भी करते थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, दोनों ही ठीक है, आंसर वन एंड टू। चलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो जल्दी से, ये अगस्त ऑफर, पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट लाहौर, जापान रीच डंगून, और इंडिविजुअल सत्याग्रह बाय द कांग्रेस। एक दो तीन चार, दो एक चार तीन, दो तीन चार एक, चार तीन एक दो। पाकिस्तान रेजोल्यूशन की कोई डेट बताएगा मुझे? मंथ बताओ ना, अगस्त ऑफर भी तो 1940 है फिर। चलो 20 मार्च है। ठीक है, चलो
ये देखो इसमें देखो सबसे पहले मार्च में आ जाएगा पाकिस्तान रेजोल्यूशन, फिर अगस्त ऑफर, फिर अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, और फिर जापान 1942 में, मार्च 1942 में रंगून पहुंच गया था अपनी फौज लेकर। तो सबसे पहले आएगा आपका ये 2, फिर 1, और फिर 4, फिर 3, 2, 1, 4, 3, आंसर इज बी। ठीक है जी, चलो। विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजल सेट बाय देसाई लियाकत पैक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देसाई लियाकत पैक्ट में जो प्रपोजल दिया गया थे उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई बराबर नंबर के लोग नॉमिनेट किए जाएंगे कांग्रेस और लीग से सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और इसने कहा 33% रिजर्वेशन रहेगा माइनॉरिटीज के लिए। तो आप बताएं कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, या नीदर वन नॉट टू। सही पकड़े रविशंकर। चलो आंसर है, देखो पहला तो इक्वल नंबर की बात ठीक है, वन ओनली, लेकिन 33% माइनॉरिटीज के लिए नहीं, 20% सीट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, तो वन ओनली इज करेक्ट। ठीक है, ये तो पहले भी कराया हुआ है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन प्रपोजल ऑफ वेवल प्लान सेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वेवल प्लान 1945, विद एक्सेप्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियंस। उसने कहा कि भाई गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भारतीय होंगे, कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। गवर्नर जनरल वॉज टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन हिज ओन विल, अपनी मर्जी से गवर्नर जनरल जो है वो वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन, चलो आंसर देखें। आंसर ए, देखो पहला ठीक है, हाँ कमांडर इन चीफ, और खुद ही कहा था बेवल ने कि ये प्लान रख लेंगे जब भी सरकार बनेगी इंटरिम गवर्नमेंट उसके लिए। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। लेकिन तीसरा ये बात था, लोग नाराज थे किससे, कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है वो अपनी मर्जी से नहीं डिसीजन लेगी, वो सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो काउंसिल से पूछ के लेगा गवर्नर जनरल, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं ले लेगा। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेगा, इसलिए ये हो गया रॉन्ग, तो वन एंड टू हो गया करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन पॉइंट्स ऑफ माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान, गदर मूवी, और जैसे एक मूवी आई थी गोल्ड, अगर आप उसमें देखो तो 3 जून की घटना को हर बार मूवीज में दिखाया जाता है, जब माउंटबेटन ने घोषणा की भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। चलो, तो पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वुड मीट इन टू ग्रुप्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, टू वोट फॉर पार्टीशन। इन केस ऑफ पार्टीशन, टू डोमिनियंस एंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वुड बी क्रिएटेड। आप बताएं सही कौन सी है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट। आंसर है सी, देखो दोनों सही है, पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज मिलेंगी और दो ग्रुप हिंदू और मुस्लिम वोट करेंगे पार्टीशन पर। पार्टीशन के केस में दो डोमिनियंस बनेंगे, टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अलग अलग क्रिएट की जाएंगी। बिल्कुल ठीक था इसमें, यही तो एक तरीके से मंजूरी देता था पाकिस्तान के बनाने को लेकर। ठीक है, तो इसको 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म बंदगा पेंटिंग टू दिल्ली सल्तनत। तो बंदगा पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग सॉरी, ठीक है, तो बंदगा पर्टेनिंग टू दिल्ली सल्तनत, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन फॉर एग्रीकल्चरल लैंड उन्हें कहा जाता था, स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत उन्हें कहा जाता था, स्पेशल ऑफिसर्स टू लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन टू द सल्तनत उन्हें कहा जाता था, या नन ऑफ द अबव, बंदगा। चलो आंसर है बंदगा। देखो ये थे बेसिकली स्लेव्स थे जो मिलिट्री के लिए परचेज किए जाते थे दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक है, तो आंसर आके बिल्कुल सही, जिन लोगों ने भी आंसर किया है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट अ संस्कृत कॉलेज अजमेर एंड अना सागर लेक दे। तो किसने बनाया है यहाँ पे, अना सागर झील किसने बनवाई थी और संस्कृत कॉलेज अजमेर में, अश्व घोष, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य, या विग्रह राज। अजमेर कैपिटल किसकी थी, चौहानों की। चलो आंसर देख लेते हैं, विग्रहराज ने बनवाया। ठीक है, अभी देखो
विग्रहराज ने संस्कृत कॉलेज बनवाया था अजमेर में, और अनासागर लेक भी बनवाई थी। वैसे ये जो चौहान वंश से सबसे ज्यादा फेमस तो वही पृथ्वीराज चौहान ही है, लेकिन विग्रहराज थर्ड जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था, तो इसीलिए विग्रहराज इसमें आपका आंसर है। ठीक है जी, चलो विग्रहराज। नेक्स्ट, मगध वॉज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी आफ्टर हरियाणा डायनेस्टी। हरियाणा के बाद किसने जो है कब्जा किया मगध पे? सिसुनागा, गुप्ता, सुंगा या कंबा? आसान सा है। बिल्कुल ठीक, ए ए ए, ठीक है जी, सिसुनागा ही था जो पहले अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन के बाद सिसुनागा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दीदारगंज यक्षी फाउंडेड इन 1876। पहला कथन, दूसरा इसे यमुना नदी के जो है मडी बैंक्स के ऊपर जो है स्थापित किया गया था। करेक्ट बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नीदर वन नॉट टू? दीदारगंज यक्षी की बात हो रही है। ठीक है, चलो हम बता देते हैं इसके बारे में, आपको नहीं पता तो। 1917 में जो है गंगा नदी के किनारे दीदारगंज शहर की स्थापना की गई थी बिहार में, और दिस स्टैच्यू हैज वेरिंग स्टोरीज। इसको जो निकाला गया था इसके अलग अलग स्टोरीज हैं। एक कहता है कि भाई ये स्टैच्यू जो है ये वॉज सीन स्टिकिंग आउट ऑफ द बैक, कि भाई नदी के किनारे से अपने आप जो है वो बाहर आ रहा था, और बाद में उसे पूरा खोद के बाहर निकाला गया, और रिवीलिंग द दीदारगंज यक्षी। और कुछ ड्रामेटिक अकाउंट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई के कुछ कॉन्फिडेंशियल पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से कि स्टोरी ऑफ अनअर्थिंग वेर इन द विलेजेस ऑफ द एरिया वर हंटिंग फॉर स्नेक, मतलब एक सांप को जो है वो मारा जा रहा था उस समय निकल आया। तो कुछ स्टोरीज ऐसे हैं। ठीक है, तो दीदारगंज यक्षी ये जो प्रतिमा है ये 1917 में निकली, पहली बात तो। दूसरा, यमुना नदी के किनारे नहीं, गंगा नदी के किनारे। तो आंसर आ गया आपका डी, दोनों ही सही सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यमुना गलत है और यहाँ पे 1876 गलत है, तो नीदर वन नॉट। गगनेंद्र नाथ टैगोर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? गगनेंद्र नाथ टैगोर पेंटिंग से जुड़े हैं, लिटरेचर से, थिएटर से, या पपेट्री से? गगनेंद्र नाथ टैगोर की बात हो रही है। चलो, गगनेंद्र नाथ टैगोर बेसिकली ये यूज द लैंग्वेज ऑफ क्यूबिज्म टू क्रिएट हिज स्टाइल ऑफ हिज ओन। ठीक है, तो अब ये जुड़े हुए पेंटिंग से, और क्यूबिज्म जो है लैंग्वेज ऑफ क्यूबिज्म इन्होंने अपना स्टाइल बनाने के लिए यूज किया। पेंटिंग्स जो है बेसिकली मिस्टीरियस हॉल्स और रूम्स की बनाई जाती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगनल लाइंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो बाकियों से काफी अलग है ये जो स्टाइल, और ये कहते हैं कि ये पाब्लो पिकासो, फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो कहते हैं कि उसने इस तरीके के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज किए थे। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर जो है वो पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, कुंभम मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ है कुंभम मोनेस्ट्री? इंडिया, थाईलैंड, जापान या चाइना? जल्दी से बताओ। चलो आंसर देख लेते हैं। कुंभम मोनेस्ट्री टायर, बेसिकली तिब्बतन गोम्पा कहा जाता है इन्हें, और ये लुसार, हुआंगजू कंट्री, जिनजिंग, किंघाई चाइना में मिलेगा। और 1853 में बेसिकली आपको ये कह लें कि एक नैरो वैली है एक हिस्टोरिकल तिब्बतन विलेज आमडो के नजदीक, और एक और मोनेस्ट्री भी है इसके नजदीक जो ल्हासा में मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? चाइना, क्योंकि तिब्बत है तो तिब्बत इज द मेन लैंड, अब जो पार्ट है वो चाइना का है, तो खुम्बम मोनेस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे वल्लम कली, सामने लिखा है टेंपल फेस्टिवल, पूरम फेस्टिवल, सामने लिखा है बोट रेस, चाक्चारकुट, मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मिणी, माधवराई फेयर, स्प्रिंग फेस्टिवल। अब आपको सही मैच करना है इसको। ठीक है, तो वल्लम कली, पूरम फेस्टिवल, चापचारकुट और माधवराय फेस्टिवल, जल्दी बताओ। बहुत आसान है ये यार, स्किप मत करो, आसान है ये अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा या सुना है। देखो चलो मैं बता देता हूँ, वल्लम कली बोट रेस है, बहुत फेमस जो बोट रेस होती है केरला में,
और एक्सट्रीम जॉय और बिगर ओनम के मौके पे की जाती है। पूरम एलिफेंट परेड है टेंपल में, त्रिचूर में की जाती है। चापचारकुट मिजोरम का स्प्रिंग फेस्टिवल है। और माधव राय, माधव यानी कृष्णा का नाम है, तो बेसिकली यार लॉर्ड कृष्णा रुक्मिणी, यहाँ से वैसे ही निकल जाना था ये, ठीक है। ये फेमस वल्लभ, ये बोट रेस है, ठीक है। तो ये चापचारकुट स्प्रिंग फेस्टिवल है और पूरम एलिफेंट टेम्पल फेस्टिवल है, ठीक है जी। तो ये बनना था इसका सिंपल। तो आंसर आ गया आपका बी, A2 B1 C4 D3, हो गया ना क्रॉस। चल, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में, के करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। वन ओनली, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, या वन टू एंड फोर, जल्दी से बताओ। चल आंसर देखिए, आंसर है सी। देखो, वन एंड थ्री, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। देखो, ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आती है विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इज गिवन इन इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स में आता है ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, और बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। तो इसमें क्या क्या आएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स हैज शोन अ एप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट जो है उसमें एक एप्रिशिएबल ग्रोथ देखने को मिली है, खासतौर पर इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 1991 के बाद। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजॉर्टेड टू डीवैल्यूएशन। तो भारत सरकार जो है वो डीवैल्यूएशन की तरफ गई है। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलो जल्दी से देखें इसका आंसर। आंसर है ए। अब ये देखो, यानी ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टू रिस्टोर कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी वॉज एडजस्टेड डाउनवर्ड शार्पली अबाउट 18% इन टू स्टेजेस। तो दो बार में डीवैल्यू किया गया भारतीय करेंसी को, तकरीबन 18% तक कम कर दिया गया, ताकि इससे क्या चीजें हो, एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी मिले। भारतीय करेंसी अगर कम हो गई उसकी वैल्यू, तो ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी मिलेगी और करंट ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इस मकसद से किए गए थे ये। तो पहला भी ठीक है कि बड़ी तेजी आई इंडिया के एक्सपोर्ट में, और डीवैल्यूएशन भारत सरकार ने किया इसके लिए, इसी के लिए, ताकि ये सब हासिल किया जा सके। विद रेफरेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टमेंट इज द असेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो सही उत्तर बनाना है आपको, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नीदर वन नॉट टू। बच्चे 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, 1991 के बाद बोला उन्होंने, ठीक है। चल जल्दी से बोलो। सेवेंटी का सी, ये देखो, कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो टर्म यूज की जाती है टू डिस्क्राइब नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, एक देश की, ठीक है। और दूसरा, टू एक्यूमुलेट एडिशनल कैपिटल, ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए एक देश को जो है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हाउस होल्ड सेविंग्स बेसिकली, क्योंकि वो जो लोगों ने बचा के रखा होता है अपने घरों में वो, ठीक है। तो बोथ वन एंड टू, तो इन्वेस्टमेंट असेंशियल फैक्टर है कैपिटल फॉर्मेशन का, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसमें आ गया आंसर आपका सी।
Human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables pehla individuals of country to accumulate more capital. Okay, individuals of a country to accumulate more capital. ये क्या कहता है कि human capital formation जो है वो क्या क्या कर better explained in terms of process which enables क्या क्या enable करता है वो individuals of a country to accumulate more capital. एक देश के जो इंडिविजुअल है वो और ज्यादा कैपिटल जो है वो एक्यूमुलेट कर पाते हैं. दूसरा, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री. थर्ड, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ. अच्छा, सी सी और बी बहुत सारों के ऑप्शन है. चलो देखें, आंसर है सी. देखो कैसे 2 और 4 इसमें ठीक है. देखो जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें इस प्रोसेस फॉर अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन जिनके पास स्किल हो, एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट. ठीक है, और दूसरा तो मतलब स्टेटमेंट 2 इसमें सही है. ठीक है, इनटेंजिबल वेल्थ ऑफ नेशन इज स्किल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स, कल्चर, आर्ट्स. 4 भी सही है. ठीक है, तो 1 और 3 आर इनकरेक्ट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. तो जो इसके अंदर आपका ऑप्शन आ जाएगा सी 2 और 4, 1 और 3 फॉर ग्रॉस कैपिटल और ह्यूमन के लिए जो है आपका 2 और 4 ये वाला आएगा. ठीक है जी, चलो. व्हाइट गुड्स इंडस्ट्रीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. व्हाइट गुड्स में क्या क्या आता है? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोप, डिटर्जेंट एंड अदर मास कंजप्शन गुड्स. चलो, व्हाइट गुड्स. देखो, सेल ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्केल ऑफ लार्ज स्केल हाउस होल्ड अप्लायंसेज दैट आर टिपिकली फिनिश्ड इन व्हाइट एनामल, हेंस द नेम व्हाइट गुड. तो व्हाइट गुड इंडस्ट्री बेसिकली रेफर्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड स्केल ऑफ लार्ज स्केल हाउस होल्ड. तो इसमें आ गया आपका आंसर सी. देखो, होम अप्लायंसेज जिसके ऊपर सिंपली क्या किया जाए कि व्हाइट एनामल से फिनिश किया जाए, जो वो जो बेसिकली पेंट है या एनामल पेंट जो उसके ऊपर किया जाता है वो उनको व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में लाता है. ठीक है, सिंपल है ये. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गोरवाला कमिटी रिकमेंडेशन लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SBI. सेकंड, 6 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 15th April 1980. ठीक है, पहली स्टेज में कितने किए गए थे और दूसरी स्टेज में कितने किए गए थे? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट? 1 only 2 only 1 and 2 या फिर नीदर वन नॉट? मैंने हिंट तो दे ही दिया वैसे. ठीक है, ये देखो सी. देखो, गोरवाला कमेटी बिल्कुल ठीक है, AD गोरवाला कमेटी के नाम से जानी जाती है. ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी को भी कहा जाता है इसे, और इसी की वजह से जो एस्टैब्लिश हो पाया था SBI थ्रू इंपीरियल बैंक एंड सम एफिलिएटेड बैंक, उनको जोड़ के बनाया गया था. 6 कमर्शियल बैंक जो है नेशनलाइज हुए 15 अप्रैल 1980 को. पहली स्टेज में 14 हुए थे, दूसरी स्टेज में 6 हुए थे. 1969 में 14 बैंक इंदिरा गांधी रिजीम, और दोबारा फिर 1980 में बाकी के 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग. RRB लीडिंग बैंक स्कीम, NABARD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट की सही तारीखों के हिसाब से इनको आपको डालना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में. 1 2 3 4 2 3 1 4 4 3 2 1 और 4 2 1 3. चलो देखें, SBI 1955 सबको पता है, लीडिंग बैंक लीड बैंक स्कीम 1969, RRB 1975, NABARD 1982. ठीक है, सिंपल है. सबसे पहले SBI है और फिर उसके बाद लीड बैंक स्कीम है, फिर उसके बाद फिर RRB है, फिर NABARD है. ठीक है जी, तो इसमें आंसर आ गया आपका डी, 4 2 1 3, जिन लोगों ने भी ये किया. द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज दैट. देखो, 4 ऑप्शन है, पढ़ो एक बार ध्यान से.
बैंक इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर्स वाइल एन एनबीएफआई इंटरेक्ट विद बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स. तो बैंक तो सीधा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, एनबीएफआई बैंक और गवर्नमेंट के साथ करता है. ठीक है. बैंक indulges in number of activities relating to finance with a range of customers while an NBFI is mainly concerned with term loan needs of large enterprises. So bank customers ki bahut sari finance needs ko jo hai entertain karta hai aur NBFI jo hai wo mainly long term loans large enterprises se usi se sambandhit hai. Bank jo hai wo both internal aur international customers se deal karta hai, NBFI jo hai wo sirf jo hai with finances of foreign companies. Theek hai. और बैंक्स मेन इंटरेस्ट इज टू हेल्प इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज व्हाइल एनबीएफआई मेन इंटरेस्ट टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द करेंसी. जल्दी बताओ आप. चलो आंसर देखते हैं. आंसर है बी. देखो बी ठीक है. बैंक जो है वो एक्टिविटी जुड़ा होता है नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस विद रेंज ऑफ कस्टमर बहुत सारे, एनबीएफआई विद टर्म लोन नीड्स ऑफ लार्ज एंटरप्राइज. ठीक है. एनबीएफआई इज related to the term loan needs of large companies. ठीक है. तो ये difference है. तो B इसमें correct है ये वाला. Next अब ये incorrect पहचानना है आपको हिमाचल जीके से. ब्यास मेला पोंटा, गांधी मेला अम्बोआ, नागदावना फेयर पुरोवाला और सीपी फेयर नाहन. ठीक है. इनकरेक्ट पेयर पहचानना है. इनकरेक्ट पेयर. चलो चलें देखें. ये देख लो व्यास फेयर पोंटा सिरमौर में ऋषि व्यास के सम्मान में, गांधी फेयर जो है वो गांधी जी के सम्मान में 30 जनवरी अम्बुआ सिरमौर में, नागनावना जो है वो एंशियंट फ्लड डैमेज विलेज इन पोंटा साहिब हेल्ड इन नावना टेम्पल. ठीक है. और सीपी सिपुर में अबाउट 2 किलोमीटर दूर है मशोबरा से और एंड द स्टेट कैपिटल ऑफ शिमला. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया डी. डी मतलब सीपी फेयर नाहन में नहीं है. ये कहाँ पर है? ये 2 किलोमीटर दूर है मशोबरा से सिपुर नाम की जगह पर. और जेठ के महीने में सिप देवता को जो है वो बेसिकली उनके सम्मान में या उनके लिए समर्पित है. और बहुत पुराना मेला है. राणा ऑफ कोटी यूज टू बी द चीफ विजिटर. जो कोटी के जो राणा थे वो प्रमुख तौर पे यहां आया करते थे. ठीक है जी. सीपी फेयर यहां गलत हो गया. ठीक है जी. तो फोर ओनली इज इनकरेक्ट. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है. अब यहां पे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है क्रमबद्ध तरीके से. An advisory formation of advisory council to advise chief commissioner. दूसरा creation of चंबा मंडी सिरमौर एंड महासू डिस्ट्रिक्ट. तीसरा addition of संगोंग एंड भत्तार villages from उत्तर प्रदेश टू हिमाचल. ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह एज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर. जल्दी बताएं कब कब हुई घटनाएं? मुझे साल बता सकते हो? चलो मैं बता देता हूं. 15 अप्रैल 1948 को 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाब हिल स्टेट्स को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जोड़ा गया था. चंबा मंडी सिरमौर महासू. तारीख देख लो 15 अप्रैल 1948. 30 सितंबर 1948 को एडवाइजरी काउंसिल बनी थी चीफ कमिश्नर को एडवाइज करने के लिए. और 3 अस्टवाइल रूलर्स मंडी चंबा बघात. ठीक है. अभी देखो 6 रिप्रेजेंटेटिव लोगों में थे श्रीमती लीलावती, वाई एस परमार, मेहताब तारचंद, स्वामी पूर्णानंद, श्री पदमदेव, श्री शिव चंद दास. और 1950 में अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ एनक्लेव ऑर्डर 2 villages ऑफ यूपी संगोंग और भत्तार को जुब्बल तहसील में शामिल किया गया था. मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे 1 मार्च 1952 को. ये 52 को, ये 50. ठीक है. तो ये क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में ये जोड़ के चंबा मंडी सिरमौर महासू सबसे पहले आ जाएगा. ठीक है जी. चंबा मंडी ये आ जाएगा सबसे पहले. ठीक है. उसके बाद फिर आती है आपकी
फिर ये बनती है एडवाइजरी काउंसिल, फिर बनती है एडवाइजरी काउंसिल, फिर ये बनता है 2-1, तो 2-1 वाला ऑप्शन देख लो, 2-1-3-4, ठीक है जी। चलो, वेन वॉज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज डिजॉल्व एंड गिवन स्टेटस ऑफ यूटी, जल्दी बताओ। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज डिजॉल्व एंड गिवन द स्टेटस ऑफ यूटी। चलो आंसर देखे, आंसर है, अब ये देखो, यूटी ऑन 1 नवंबर 1956, तो आंसर है 1 नवंबर 1956। तो ये तो सबको तारीख ज्यादातर पता ही होगी, अगर ये भी नहीं पता तो भैया अपनी हिमाचल जी के दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि अगर इतने ये भी सवाल नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेम हिमाचल प्रदेश वॉज सजेस्टेड बाय हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट। सेकेंड, रूलर्स ऑफ शिमला हिल स्टेट्स वर लेड बाय राजा जोगिंदर सेन ऑफ मंडी टू दिल्ली फॉर मर्जर इशूड ऑन 2 मार्च 1948, जल्दी से बताओ। वन ओनली, टू ओनली, नन ऑफ द बव या ऑल द बव। चलो आंसर देखते हैं बिना समय गवाए, देखो आंसर है बी। देखो ये देख लो क्यों है, नाम हिमाचल प्रदेश सजेस्ट किया था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ने, और जब शिमला के रूलर्स ऑफ शिमला हिल स्टेट्स पर ब्रॉट टू दिल्ली फॉर डिस्कशन मर्जर इश्यूज, ठीक है, तो नेम वॉज कॉइंड बाय आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, नाम दिया किसने था, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। डॉक्टर वाई एस परमार चाहते थे कि भाई हिमालयन प्रांत जो है वो नाम हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी, बी मतलब टू ओनली इज करेक्ट, ठीक है, तो टू ओनली इज करेक्ट, तो जो रूलर थे शिमला स्टेट के उनको लीड किया था राजा जोगिंदर सेन जो मंडी के थे, ताकि फॉर मर्जर इशू ऑन 2 मार्च 1948। पहला गलत है भाई, नाम हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट ने नहीं सजेस्ट किया था, बल्कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ने किया था, ठीक है जी, तो टू ओनली इज करेक्ट इसमें। हु ऑथर्ड तारीखे यामिनी, तारीखे यामिनी जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है मुगल एक्सपीडिशन टू हिमाचल का, तो ये किसने लिखी थी, बीरबल, उत्बी, फरिश्ता या नन ऑफ द अबव। चलो तारीखे यामिनी, आंसर है उत्बी जो थे एक लेखक, इन्होंने तारीखे यामिनी लिखी थी जिसमें मुगल एक्सपीडिशन या मुगल चढ़ाई जो हिमाचल पर की गई थी उसके बारे में लिखा है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट, निकोलस रॉरिच हैड प्रोड्यूस्ड मोर देन 7,000 कैनवासेस ऑन द हिमालयाज, निकोलस रॉरिच ने 7,000 से ज्यादा कैनवासेस बनाए हैं हिमालय के ऊपर। बीसी सान्याल, सरदार शोभा सिंह एंड नॉर्थ रिचर्ड्स हैव, नोरा रिचर्ड्स हैव डन कमेंडेबल वर्क इन मॉडर्न पीरियड टू एनरिच द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। थर्ड, अठांका बुद्धिस्ट पेंटिंग। फोर्थ, कारदांग गोम्पा हैज 15 फीट धांका एंड इनवैल्यूएबल वॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग इन ऑल 84 सिद्धांत ऑफ बुद्धिज्म। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कौन सा सही है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। ऑल बिल्कुल ठीक, जिन लोगों ने भी ऑल कहा है, निकोरस, ये भी, ये तो बेसिकली बस सीधी सीधी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, बाकी और डिटेल जो है इसके एक्सप्लेनेशन में आप लोग पढ़ लेना, बाकी ये बिल्कुल सही था जिन्होंने भी ठीक आंसर किया। धौलाधार इज ऑल्सो नोन एज मानक पर्वत, शिवालिक एज मौलक पर्वत, जस्कर रन्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट, पादरी एंड छतर धार कनेक्ट चंबा टू कांगड़ा, जल्दी बताओ। 1 एंड 2 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट, 1, 2, 3 करेक्ट या 1, 2, 4 करेक्ट या नन इज करेक्ट। ए और सी, चलो आंसर देखे सी। देखो धौलाधार को मौलक पर्वत कहते हैं, शिवालिक को मानक पर्वत कहते हैं, धौलाधार को मौलक और शिवालिक को मानक, ये देख लेना उल्टा किया हुआ है इन्होंने। और उसके बाद दो है आपका तीसरा, पादरी और छतरधार कनेक्ट चंबा टू कांगड़ा, पादरी और छतरधार
ये चंबा को जम्मू से कनेक्ट करते हैं, कांगड़ा से नहीं, तो ये होगा गलत। अब जस्कर रेंज हिमाचल के नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक जाती है और लद्दाख को लाहौल स्पीति से डिवाइड करती है, ठीक है? तो ये लद्दाख को लाहौल स्पीति से डिवाइड करती है, ये ठीक है, और नॉर्थ ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक जाती है, ये दोनों गलत, ठीक है? तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था ना, तो ये भी गलत, ठीक है? तो 1, 2, 4 इनकरेक्ट आपका, ठीक है? चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट आंसर। पहला, सिंस हिमाचल प्रदेश हैज माउंटेन फॉरेस्ट, इट हैज मीन एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 300 सेंटीमीटर, और 300 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है क्योंकि माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है? और दूसरा, साउथ वेस्ट मानसून कॉज लीस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश, तो साउथ वेस्ट मानसून से लीस्ट रेनफॉल होती है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा, क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरीज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन ड्यू टू लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता है किस, जो बहुत फैला होता है, ठीक है? रीजन, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हिमाचल प्रदेश लाइज विद इन जोन 4 सिवियर इंटेंसिटी जोन एंड जोन 5 वेरी सिवियर इंटेंसिटी जोन। जल्दी से बताएं कौन सा सही है, 2 only 4 only 1 and 4 या 3 and 4। चलो आंसर देखते हैं, सबसे पहले बी है इसका आंसर। देखो कैसे, 4 only इज करेक्ट। ये देखो, पहली बात तो माउंटेन फॉरेस्ट है, सालाना रेनफॉल 150 से 250 के बीच में, 300 तो नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून जो है मैक्सिमम रेनफॉल, अरे यार जो मानसून आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से उसी से तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्लाइमेट हिमाचल प्रदेश का जो है ये सब ट्रॉपिकल से अल्पाइन है और 350 से 6,500 मीटर के बीच में है, ठीक है? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, नॉट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है? तो ये गलत है, मतलब ऊपर ऐसे है इस वजह से, इस तरीके से फैले होने की वजह से, ना कि। और चौथा जो है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हिमाचल प्रदेश जो है वो सीवियर इंटेंसिटी जोन है, 4 और जोन 5 के बीच में, ठीक है? तो बेसिकली अब अगर आप देखें तो इसमें क्या हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ये ठीक, ठीक है? तो ये आ गया आपका। चलो एक बार देख लो, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, एकेसिंस, हाइड्रोशिस, हाइफिसिस और जराद्रोस। तो जल्दी बताएं, नदियों के नाम और ग्रीक नाम है, सही मैच करके करेक्ट आंसर बताना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करके। चलो जल्दी से देख लेते हैं, देखो ए है इसमें सही, 1A 2B 3C 4D, यानी कि सभी के सभी बिल्कुल सही मैच किए गए हैं सीक्वेंस में, ठीक है? ये डिटेल आप पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ विडोरी मैरिज इन हिमाचल प्रदेश, बट्टा सट्टा, ग्रेधोज, मलिया या छड़ छाड़ा। जल्दी बताओ, विडोरी मैरिज की प्रकार, आंसर है ग्रेधोज। ग्रेधोज विडोरी मैरिज की जो है एक प्रकार है छनाल कास्ट में, ठीक है? चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, महाभारत मेंशंस दैट कुनिन दास पीपल आर कॉन्कर्ड बाय अर्जुना। महाभारत में लिखा है कि कुनिन दास लोग जो है उन्हें अर्जुन ने जीत लिया था। पीपल ऑफ कुल्लू आर नोन एज अयुद्ध जीवी, तो कुल्लू के लोगों को अयुद्ध जीवी कहा जाता है। अडंबराज इस इलाके में रहते थे, जो मेजर ट्रेड रूट था मगध से कश्मीर तक जाने वाला। कुलुटा सबसे पुराना प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश का। जल्दी से बताओ, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। ए, चलो आंसर ए बिल्कुल ठीक है। महाभारत अर्जुना जो है उन्होंने कुनिदा लोगों को हराया था। देखो देखो, 1 और 3 इसमें जो है वो ठीक है, ठीक है जी? तो पहला बिल्कुल ठीक है, और त्रिगर्ता के लोग को अयुद्धजीवी कहते हैं, कुलुता के नहीं, ये ध्यान रखना, त्रिगर्ता के लोगों को कहते हैं। और डम्बराज जो है वो, हाँ, मगध से कश्मीर के बीच में जो है वो रहते थे, और ये कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स का, त्रिगर्ता
त्रिगर्ता जो है वो सबसे पुराना प्रिंसली स्टेट था, कुलुटा नहीं, यहाँ दोनों जगह कुलुटा इज रिप्लेस्ड बाय त्रिगर्ता, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये और ये गलत होगा, तो एक और तीन सही है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज इन करेक्ट आंसर। अशोका नेवर इंटरफेयर्ड इन द हिमालयन रीजन, अशोका ने कभी इंटरफेयर नहीं किया हिमालयन रीजन में। कुशनाज ने कॉपर के सिक्के जो है वो जो जारी किए थे वो हिमाचल प्रदेश से मिले हैं। हिमालयन रूलर्स नेवर एक्सेप्टेड समुद्र गुप्ता पैरामाउंसी, हिमालय के राजाओं ने समुद्र गुप्ता की दास्ता कभी स्वीकार नहीं की। ह्यून सैंग हैड नेवर विजिटेड हिमाचल प्रदेश, ह्यून सैंग कभी हिमाचल प्रदेश नहीं आए। जल्दी बताओ, ए सी ए ए। चलो देखें आंसर, देखो अशोका ने अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड की थी हिमालयन रीजन में, और बुद्ध मॉन्क्स को भेजा था बुद्धिज्म फैलाने के लिए हिमालय में। कुशना के सिक्के जो है वो कालका कसौली रोड से मिले हैं। हिमालय रूलर्स जो है उन्होंने समुद्रगुप्त की पैरामाउंसी स्वीकार की थी। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो हरिसेना ने लिखे हैं उसमें इसका मेंशन मिलता है। ह्यून सैंग जो है वो जलंधर जब गए थे तो कुल्लू होकर गए थे, और जिसे उन्होंने कुलटा मेंशन किया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए 1, 3, 4, ठीक है। इसमें तो फिर अच्छा फोर्थ इज नॉट, तो ठीक है 1, 2, 3 आ गए। अशोका नेवर इंटरफेयर्ड रॉन्ग है, टू इज राइट, थ्री इज राइट, फोर इज रॉन्ग। तो 2 and 3 आता है यार इसमें आंसर, है ना। चलो नहीं ये भी तो रॉन्ग हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा था ना, हाँ ठीक ठीक तो है, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट आ गया 1, 3, 4, ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है यार, ये मेरे से गलती हो गई, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत देर से करते जा रहे हैं, अब तो मेरा भी दिमाग चलना बंद हो गया, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बिफोर द टू डिस्ट्रिक्ट वर मर्ज व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ लाहौल एंड स्पीति, जल्दी से बताओ। काजा, किलोंग, किलोंग खोकसार, कारदंग धांकर, या फिर कोकसार किलोंग, जल्दी बताओ। जल्दी करो जल्दी, मतलब जब लाहौल और स्पीति दोनों को मर्ज किया गया था उससे पहले की कैपिटल पूछी गई है, तो 1960 में मर्ज किया गया था, और कारदांग कैपिटल हुआ करती थी लाहौल की, धाकर हुआ करती थी स्पीति की, ठीक है। तो कारदांग और धाकर, मतलब सी इसमें आपका ऑप्शन है, ठीक है, सी इज लाहौल और स्पीति, ठीक है जी। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी जगदीश चंद्र द राजा ऑफ कांगड़ा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पर जगदीश चंद्र राजा थे कांगड़ा के। दूसरा, ड्यूरिंग पृथ्वीचंद रेन कांगड़ा 48 टू हैव बीन कैप्चर्ड बाय मोहम्मद तुगलक, तो मोहम्मद तुगलक ने कब्जा लिया था पृथ्वीचंद के रेन के दौरान, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक बिसीज द फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन 1365, फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा का जो किला है उसे उस पर जो है पूरा एक घेराबंदी कर लिया था। आलमचंद वाज द राजा ऑफ हिंदूर व्हेन तैमूर इन्वेडेड इन द हिल्स, आलमचंद उस समय राजा थे जब हंदूर के, जब तैमूर ने भारत पर या पहाड़ों पर हमला किया, ठीक है। चलो तो देखें आंसर है डी, देखो सब जो है वो बिल्कुल ट्रू है। कैसे, महमूद गजनवी जगदीश चंद कांगड़ा के राजा थे महमूद गजनवी के समय पे, ठीक है। पृथ्वीचंद के समय पे कांगड़ा फोर्ट जो है उस पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने कांगड़ा पर जो है वो सीज डाल दिया था 1365 में। रूपचंद राजा थे उस समय कांगड़ा के, आलमचंद राजा थे हिंदूर के जब तिमूर ने हमला किया शिवालिक राज्यों पर 1399
के समय पर, ठीक है, तो इसमें ऑल इसमें करेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अगले पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। शारी जत्र फेयर इज हेल्ड एट त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या टेम्पल। शारी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट अर्की। सारी फेयर, सॉरी, बिरसु सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ महासु देवता। ज्वालामुखी फेयर इज हेल्ड ट्वाइस इन हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताओ इसको। इनकरेक्ट है आपकी बार, फिर से वही मेरे से गड़बड़ हुई थी जब पिछली बार, ठीक है, ध्यान रख लेना। जब ऊपर दिया होता है ना कई बार ध्यान नहीं जाता, हमें यहाँ आदत होती है ना, यहाँ वहां लिखा होता है। चलो तो ध्यान रख लेना कि अगर ऊपर भी दिया है तो। नन, चलो, सारी फेयर जो है वो सुंदरी टेम्पल नगर कुल्लू में 3 दिन तक मनाया जाता है। सारी फेयर अर्की में मनाया जाता है। शारी एट त्रिपुरा सुंदरी नगर और सारी एट अर्की, ठीक है। तो बिरसु सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ महासु देवता, ठीक है, तो ये ठीक है। ज्वालामुखी फेयर हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, तो ज्वालामुखी जो है बेसिकली हेल्ड ट्वाइस इन हिमाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। तो अब आपका इसमें आंसर आ गया सी, नन, है ना। तो पहला त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बिल्कुल ठीक है, नगर में है जो, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। तो आंसर इसमें तो आप क्या करोगे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था ना, तो फिर नन करोगे। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। भद्रकाली मंदिर कांगड़ा में, हर राय टेम्पल चंबा में, कामना देवी किन्नौर में, ये मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है, कामाक्षा देवी टेम्पल शिमला में, इनकरेक्ट पेयर बताना है। 3 4 2 3 1 2 1 4। चलो देख लो, भद्रकाली कांगड़ा में, हर राय चंबा में, कामना देवी शिमला में और कामाक्षा मंडी में है, ठीक है। तो ये देख लो, तो इसमें ऑप्शन आ गया आपका ए, ठीक है। 3 और 4 इनकरेक्ट है, क्योंकि कामना देवी तो शिमला में है और कामाक्षा जो है वो मंडी में है, ठीक है। चलो 3 और 4 इसमें आ गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था इस बार भी। नेक्स्ट करेक्ट, अब की बार करेक्ट पूछा है। सदरे जंग मेजर मेहरदास सामने लिखा है, लिस्ट है 1 और 2, दो लिस्ट है, उसके हिसाब से मैच करना है। तगमाए शत्रु शेरे हिंद और बग्गी, दूसरी तरफ मेजर मेहरदास, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह, श्री हरि सिंह और बख्शी सत्य प्रकाश। सदरे जंग, तगमाए शत्रुनाश, शेरे हिंद और बग्गी, ये टाइटल हैं और व्यक्ति जो हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, वो दूसरी तरफ लिखे हैं। चलो देखें जल्दी से, सदरे जंग मेजर मेहरदास, ये वाला तो बिल्कुल पेयर बिल्कुल ठीक है, 1A, ठीक है। तगमाए शत्रुनाश, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेरे हिंद श्री हरि सिंह और बग्गी बख्शी सत्य प्रकाश, तो 1 2 3 4 सब बिल्कुल ठीक, करेक्ट मैच है, ठीक है। चलो, हु रोट द बुक अडोब ऑफ स्नो, किसने लिखी है, डब्ल्यू जी आर्चर, जी सी ब्रूस, एंड्रू विल्सन या जे सी फ्रैंक। अडोब ऑफ स्नो, अच्छा जी, सब ने बोल दिया विल्सन। 1875 में एंड्रू विल्सन ने अपनी ट्रेवल राइटिंग लिखी थी टाइटल अडोब ऑफ स्नो के नाम से, ठीक है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। सत्यकाम वॉज रिटन बाय सत्यदेव बुशहरी, लुकिंग बैक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जस्टिस मेहर चंद महाजन। लालचंद प्रार्थी रोट कुल्लू देश की कहानी, उसने कहा था इज द फेमस वर्क ऑफ श्री चंद्रधार शर्मा गुलेरी। सत्यकाम जो है बेसिकली, तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर 2 3 4 1 2 4 1 2 3, या सिर्फ पहला या सिर्फ दूसरा। चलो आंसर देखते हैं। सत्यकाम वॉज रिटन बाय सत्यानंद स्टोक्स, लुकिंग बैक ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस मेहरचंद महाजन की। लालचंद प्रार्थी जो है उन्होंने लिखी कुल्लू देश की कहानी, उसने कहा था जो है वो श्री चंद्रधार शर्मा गुलेरी का फेमस वर्क है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ गया आपका ए, ठीक है। 2 3 4 आर करेक्ट, क्योंकि सत्यदेव बुशहरी नहीं,
सत्यानंद स्टोक्स है सत्यगाम के जो है राइटर, ठीक है जी। तो इसमें आ गया आपका आंसर ए, 2, 3, 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2022 हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से है क्वेश्चन। वोटर टर्नआउट 85% था, सीपीआई एक सीट जीती, एक महिला कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट हुई असेंबली में, नो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वॉज एबल टू मेक देयर वे टू असेंबली, जल्दी बताएं। बच्चे आप तो बोल नहीं रहे हो, मैं सोचो कितनी देर से बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। और चलो, 2022 हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन वोटर टर्नआउट 75.60%, ठीक है। और एमएलए राकेश सिंघा जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट कुलदीप सिंह राठौर से हारे थे, सीपीआई वन नो सीट, ओनली वन वुमेन कैंडिडेट रीना कश्यप थी पछाड़ से, और तीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर, तो तीन जीते थे। यहाँ तो ये हो गया गलत, महिला कैंडिडेट ठीक रीना जी, सीपीआई वन नो सीट, वन सीट रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका थ्री ओनली, ठीक है, थ्री ओनली करेक्ट हो गया। Which of the following fiscal parameter did not change in 2022-23 compared to previous years in Himachal Pradesh? क्या नहीं बदला financial year 2022-23 में पिछले सालों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में? Non debt capital receipt, non tax revenue, non tax revenue, revenue receipts, जल्दी से बता दो। BA चल रहा है। चलो, टैक्स रेवेन्यू जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का एस्टिमेटेड है 9.04% ऑफ GSDP, जो पिछली बार भी 2021-22 में भी इतना ही था। तो टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स से आने वाला रेवेन्यू नहीं बदला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? थीम्स लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, थीम वन पॉवर्टी फ्री विलेजेस, टू चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, थ्री हेल्दी विलेज, फोर वाटर सफिशियंट विलेज। तो पेयर इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। चलो, मुझे लगता है कि ये मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर जो है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। और नीति आयोग ने जो है एक डॉक्यूमेंट अभी पब्लिश किया था, लोकलाइजिंग SDGs अर्ली लेसन फ्रॉम इंडिया इन 2019, ठीक है। SDG जो है इन PRIs is recognized as responsibility of all central ministries। अब इसमें ये देखो, ये थे themes, पहला poverty free village, दूसरा healthy village, तीसरा child friendly village और चौथा water sufficient villages, ठीक है। तो इसलिए आंसर आ गया आपका B। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या थी, healthy village यहाँ पे 2 पे और child friendly 3 पे, ठीक है, ये उल्टा किया हुआ है, ठीक है जी। तो आंसर आ गया आपका बी, मतलब 2 और 3 इनकरेक्ट बताना था ना, क्योंकि जो उल्टे किए हुए वो आपने बता दिए, ये वाला स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन टेकन बाय नबार्ड इन हिमाचल प्रदेश? नबार्ड क्या क्या कर रहा है हिमाचल प्रदेश में? मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन ऑफ 3 कोल्ड स्टोर्स इन कंट्रोल्ड एटमोसफेयर स्टोर्स एट रोडू, ओडी एंड पत्तीकुहार। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू MS क्रेमिका एंड MS अग्रीवा नेचुरल्स। थर्ड, ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, वाटरशेड डेवलपमेंट इन डिफरेंट एरियाज। तो आपको बताना है कौन से कार्य जो है नबार्ड के द्वारा किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी। चलो देखे, तो देखो इसका आंसर है डी, सारे किए जा रहे हैं, चाहे आप मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन ऑफ कोल्ड स्टोर्स कह लो रोडो ओडी और पट्टी कुहल में, और फाइनेंशियल असिस्टेंस कह लो MS क्रमिका और MS अग्रीवा नेचुरल्स को, ट्राइबल डेवलपमेंट ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के जरिए, और वाटरशेड डेवलपमेंट अलग अलग एरियाज में, ये सब नबार्ड के कार्य हैं, ठीक है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है,
एप्पल प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 90% ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन, एप्पल प्रोडक्शन 90% है टोटल फूड प्रोडक्शन का, और टोटल फूड प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इज एस्टिमेटेड अराउंड 793,400 मेट्रिक टन्स. थर्ड एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर अराउंड 13.47% ऑफ द टोटल स्टेट वैल्यू एडेड GSVA. फोर्थ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन स्टेट इज 9.97 लाख. ठीक है, तो जल्दी से बता दो ये सभी डेटा के हिसाब से कौन से जो क्या आपका करेक्ट आंसर है इसमें. ए बिल्कुल सही, देखो बिल्कुल ठीक है. एप्पल प्रोडक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 85% है, ठीक है, और मोर देन 90% तो नहीं है. ठीक है जी, तो वन रॉन्ग हो गया, बाकी ठीक है तीनों स्टेटमेंट्स. तो इसमें आ गया आपका आंसर ए. ये 85 से ज्यादा है लेकिन 90 से ज्यादा नहीं है. ठीक है जी, तो ये बाकी की तीन स्टेटमेंट्स जो है डेटा के हिसाब से बिल्कुल ठीक है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. ये पैराग्राफ पढ़े. द प्रोजेक्ट एम्स टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग द कल्टिवेशन एरिया एंड आउटपुट ऑफ वेजिटेबल थ्रू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. इफ इट ऑल्सो एम्स टू इनहांस इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, डेवलप इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिश फार्म एक्सेस रोड्स, इम्प्रूव मार्केटिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज. तो ये जो पैराग्राफ है ये कौन सी स्कीम के जो है या प्रोजेक्ट के बारे में या उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है, ये किस स्कीम के बारे में बता रहा है मेनली आपको बताना. फ्लो इरीगेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के बारे में, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंस रेन फेड एग्रीकल्चर के बारे में, या फिर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के बारे में, या हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट के बारे में. अच्छा डी, चलो बिल्कुल ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जो मदद से चलाया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है इस स्कीम के बारे में. और बेसिकली इसमें मकसद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव लोकेशंस पे जो है प्रमोट करना. प्रोजेक्ट तकरीबन 321 करोड़ रुपए का है और जापान का ये JICA जो है ये इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा. ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 100 सवाल हमने डिस्कस किए हैं मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाया हूँ. बहुत हमने कोशिश की है, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का आपको जो है सही और बेहतर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ. जो अगर हम चीज़ें नहीं भी डिस्कस कर पाएँ तो ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप इसमें से पूरा बारीकी से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरेंगे उतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मिलेगा और पेपर में उतना आपको सहायक होगा. ठीक है, चलो.